तो सबसे पहले मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश सनवर आप सभी का एक बार फिर से अपने आज के न्यूमरोलॉजी फ्री वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हमेशा इंट्रोडक्शन के साथ नाम मैंने आपको अपना बताया, ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश सनवर। जो मेरी जर्नी है इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में 2008 से शुरू हुई थी। 3 साल बहुत मेहनत करने के बाद 2011 से मैंने प्रोफेशनली इन सब साइंसेस को पढ़ाना शुरू कर दिया था और इनकी कंसल्टेशन देना शुरू कर दिया। और मैं तो इतना मानता हूं कि जो इंसान जितनी डेडिकेशन से जो काम करेगा उतनी सफलता उसको जरूर मिलती है। मैंने पढ़ते पढ़ते पढ़ाना शुरू कर दिया था, पढ़ते पढ़ते, क्योंकि जब आप किसी के पीछे पढ़ जाते हो ना तो आप उस विद्या को बहुत अच्छे से ग्रहण कर सकते हो। तो 2011 से प्रोफेशनली मैं कंसल्टेंसी ले रहा हूँ और ये सब साइंसेस पढ़ा रहा हूँ। पिछले 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, केमिस्ट्री है, 6 सब्जेक्ट तो पढ़ाता हूँ। अब ज्योतिष में भी वैदिक ज्योतिष है, केपी है, नाड़ी है, लाल किताब है। ओके, तीसरा वास्तु में 10 तरह से वास्तु में पढ़ाता हूँ, चाहे वो वैदिक वास्तु हो, चाहे वो आपका कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु हो, चाहे एस्ट्रो वास्तु है, कृष्णा वास्तु है, केपी वास्तु है, नाड़ी वास्तु है, जियो वास्तु है, ओके, पायरा वास्तु है, आयुर्वेदा वास्तु है, ठीक है, इतने तरह का वास्तु होता है। तो भगवान की ऐसी कृपा है कि सभी पढ़ा लेता हूँ। वो अब तक 11,500 स्टूडेंट से ऊपर मैं पढ़ा चुका हूँ अपनी 10 साल की जर्नी और हजारों का सिलेक्शन दे चुका हूँ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो आप में अगर कोई भी साइंस आप पढ़ना चाहते हैं इनमें से ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और टैरो, इनके हमारे बैच हर महीने बैच बनते हैं और टैरो को तो कई बार दो भी बन जाते हैं। टैरो और न्यूमरोलॉजी रेगुलर बैचेस बनते हैं, तो हर 15-20 दिन में एक बैच मेरा तैयार हो जाता है। तो ऑल आर वेलकम। आपको हमारी यूनिकनेस क्या है, आप कोर्स में आएंगे या वेबिनार सुनते रहिए वैसे आपको पता लग जाएगा कि हमारी यूनिकनेस क्या है या यूएसपी क्या है हमारी। ओके, देखिए सबसे पहली बात है ये साइंस, एक तो होता है चीजों को सिर्फ पढ़ा देना और एक होता है चीजों को डीपली स्टडी करके पढ़ाना। कोई भी ओकल्ट साइंस आप कभी बुक से नहीं सीख सकते ना यूट्यूब से सीख सकते हो, ये बता दूं मैं आपको। ये ईश्वरीय विद्या है, आपको अगर ये साइंस सीखनी है तो किसी ना किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, ठीक है। वरना तो किताबें भरी पड़ी है, लाइब्रेरी भरी पड़ी है, 10 किसी को बुक के नाम चाहिए तो मेरे से पूछ लेना, मैं हर साइंस की बुक के आपको 10-10 नाम लिखवा दूंगा जो कि अच्छी बुक होंगी। ऐसा नहीं है, लेकिन बुक से समझ कभी नहीं आएगा, क्योंकि बुक में कंटेंट लिखा है, उस कंटेंट का क्या मीनिंग हो सकता है, उसको डिकोड कैसे करना है, उसको समझना कैसे है, ये सब आपको कोई गुरु समझा सकता है। और ये तो है ईश्वर, जब बोल दिया ईश्वरी विद्या है, ऑकल्ट साइंस है, तो बिना गुरु के नहीं आएगी। ओके, कुछ लोग यूट्यूब से सुन सुनकर या पता नहीं करते कि बुक पढ़कर बोलते सर हम बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट, और हम इवन तक की अब तो ये हालत हो गई है, मैं क्या बताऊं, शर्म भी आती है बताते हुए, लेकिन बताना मेरा फर्ज है क्योंकि मैंने मिशन लिया हुआ है कि इस विद्या को एक अच्छे कॉज के साथ सोसाइटी में, समाज के सामने रखना है। अब तो ऐसा हो गया है लोग किताब पढ़ते हैं, 10 दिन किताब पढ़ी या 10 दिन किसी का कोर्स किया और आप उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, मजे की बात। देखिए एक होता है कुछ समझना और एक होता है किताब में जो लिखा है एज इट इज बता देना, ये इतनी जल्दी नहीं सीख सकते आप साइंस, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको समझना पड़ेगा कि बुक में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो किताबों में लिखा है कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये कॉम्बिनेशन खराब है, लोग पढ़ाए जा रहे हैं और लोग पढ़ाए जा रहे हैं उसी को फॉलो किए जा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा लिखा है वहां पर, और ये सब चीजें टाइम रहते आएंगी, कोई एक दिन में चीजें नहीं आ सकती। तो इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आप आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है, जो कोई पहली बार सुन रहा है या पहली बार इस वर्ल्ड में आना चाह रहा है तो ऑल आर वेलकम। सबसे पहले जो भी इस विद्या को सीखता है, कोई भी आप साइंस सीखिए, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, बिना ईश्वर की ब्लेसिंग के आप कभी भी इस ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर नहीं कर सकते। डजंट मैटर कि आपका पैसा है नहीं, आप क्या है क्या नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, आपकी डेडिकेशन, अगर आपको भगवान ने चूज किया है ना, इसका मतलब कुछ आप खास हो, ईश्वर के करीब हो, ये मान के चलिएगा। आज का हमारा वेबिनार है न्यूमरोलॉजी के ऊपर, हमारे टाइम टू टाइम वेबिनार होते रहते हैं, आप सभी वेलकम है। मेरा हर वेबिनार का आईडी, पासवर्ड और टाइमिंग सेम है, 9 बजे वेबिनार होता है हमेशा। मेरा जो आईडी है उसको नोट करके रख सकते हो, लोग पीछे मैसेज आता है सर आज की वेबिनार का आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, मैं बता बता के थक गया हूं कि सेम टाइम सेम आईडी और सेम पासवर्ड है, आप एक बार नोट करके रख लो उसको, 9 बजे ही रोज आना, खोल के देख लिया करो, सिर्फ 1 सेकंड, 1 मिनट लगता है, होगा तो वेबिनार आप लॉग इन कर पाएंगे। तो सेम आईडी, सेम पासवर्ड और सेम टाइमिंग वेबिनार होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट डिफरेंट होंगे, कंटेंट डिफरेंट होगा हर बार। ओके, तो आप सीख सकते हो, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको मजा है पढ़ने में, वो आप मेरे से पढ़ सकते हो। ओके,
और जिसको भी कोई एक बार मन है कि भी मुझे साइंस पढ़नी है तो मेरा कोर्स कंटेंट मंगवा लीजिएगा और दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कोर्स कंटेंट ही कंपेयर नहीं होगा, पहली बात तो कोर्स कंटेंट भी कंपेयर हो गया तो हमसे कंपेयर नहीं हो सकता। हमने इस विद्या को जिया है, पढ़ा नहीं है, जिया है इसको। जब आप चीज को जीना शुरू कर देते हो तो यस, आप कुछ दुनिया से अलग कर पाते हो। ओके, इसलिए आप तक जितने लोग जुड़े हुए हैं, हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो ऐसे नहीं जुड़े हुए लोग, तो आप आ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी, देखिए मैं हमेशा सभी से कहता हूं कि जिसको भी अपनी अकल्ट वर्ल्ड में एंट्री स्टार्ट करनी है, मतलब अपने आप को शुरुआत करनी है, लोग ये भी पूछते हैं कि सर कहां से शुरुआत करें, क्या सीखें पहले, तो मैं सभी को ये बोलता हूं कि टैरो एंड न्यूमरोलॉजी ये दो ऐसे टूल है जिससे आप अपनी अकल्ट साइंस की जर्नी, अकल्ट वर्ल्ड की जर्नी आप शुरू कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन है, एक तो ये दोनों साइंस बहुत ईजी है सीखने की, कोर्स छोटा होता है, मतलब ड्यूरेशन छोटे ड्यूरेशन में आप इनको 20-25 दिनों में, मतलब महीने में सीख सकते हो, और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, मतलब एक दो महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आप कमर्शियल लेवल पर, मतलब कमर्शियल एंगल से भी इस विद्या को आगे प्रमोट कर सकते हो, लोगों की भलाई कर सकते हो, इससे पैसा कमा सकते हो। ओके, बाकी और साइंस सीखने के लिए जैसे ज्योतिष है, लाल किताब है, केमिस्ट्री, इनमें बहुत टाइम लगता है, काफी टाइम लग जाता है आपको सीखने में, और ज्योतिष में तो बहुत ज्यादा लगता है। इसी चक्कर में हमने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी शुरू की है ताकि आप 2-3 महीने में अगर सीख कर कमाना शुरू करना चाहे या लोगों की हेल्प करना चाहे तो आप कर सकते हैं। देखिए न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा टूल है, मैं हमेशा यहां से शुरू करता हूं कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, और मैं ज्योतिष को तो बिल्कुल आगे रखता ही हूं हमेशा, चाहे मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं या कुछ ही पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूं न्यूमरोलॉजी आप रखिए अपने साथ, क्योंकि ज्योतिष में जब आप पैदा होते हैं तो आप किसी नक्षत्र में पैदा होते हैं, और जो आपको दशाएं, अच्छे बुरे योग आपको मिलते हैं वो लाइफ टाइम आपके साथ रहते हैं, इसको आप कुछ भी आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक है, जो दशा मिली है, जो अच्छा बुरा, मतलब आपकी कुंडली में योग है, वो आपको भुगतने ही पड़ेंगे, उसको आप ओवरकम नहीं कर सकते। मान लीजिए किसी की शुक्र की दशा है, शुक्र की दशा 20 साल की होती है, अब शुक्र मान लीजिए उसकी कुंडली में बहुत अच्छा है, तो 20 साल में ओवरऑल पीरियड अगर आप देखेंगे तो उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। इसी तरह अगर किसी का वीनस शुक्र ग्रह खराब है कुंडली में तो तकलीफ देगा, तो 20 साल तकलीफ भी भुगतनी पड़ेगी। ओके, रेमेडी कर कुछ अंतर दिशाएं, प्रत्यंतर दिशाएं, कुछ छोटे छोटे पीरियड आपके अच्छे आएंगे, यस उसमें आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन कोई भी ज्योतिषी या किसी भी रेमेडी से उस शुक्र की दशा को ओवरकम नहीं किया जा सकता, उसकी इंटेंसिटी उसकी थोड़ी कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी डेडिकेशन कितनी, विल कितनी है, कितना इस ऑकल्ट वर्ल्ड की तरफ, इस डिवाइन वर्ल्ड की तरफ कितनी आपने चैंट किया है, कितना आपने उस प्लान को एक ब्लेसिंग ली है उसकी, तो उससे थोड़ा ओवरकम कर सकते हो आप। लेकिन ज्योतिष न्यूमरोलॉजी में क्या है, न्यूमरोलॉजी में आप अपने हिसाब से अपनी डेस्टिनी को कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हो, ज्योतिष में तो आप कुछ डिजाइन ही नहीं कर सकते, कुछ नहीं डिजाइन कर सकते आप, लेकिन यहां पर आप डिजाइन कर सकते हो अपने आप कि मैं कैसा बनना चाहता हूं। आप जिस राशि में पैदा हो गए, जो लगन आपका बन गया, आपका करेक्टर फिक्स हो गया, ज्योतिष का कुछ चेंज नहीं किया सकता। लेकिन यहां पर क्या है, मान लीजिए आप में कुछ नंबर के ट्रेड्स नहीं है, ओके, सिर्फ इकलौता टैलेंट नंबर ऐसा नंबर होता है जिस जो आपका गॉड गिफ्टेड नंबर है, वो आपको ईश्वर से मिलता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बाकी सारे नंबर आप चेंज कर सकते हो, अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हो कुछ हद तक। मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर से हम इंसान को चेंज कर सकते हैं या बिल्कुल तकलीफें सबकी कम कर सकते हैं, लेकिन काफी हद तक हम अपनी डेस्टिनी को कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हैं। और मेरा तो यहां तक मानना है कि न्यूमरोलॉजी आपको एक ईश्वर की विद्या ऐसी है जहां पर आप कुछ कर सकते हो, ज्योतिष में तो कुछ होता ही नहीं हमसे। ओके, तो आप जो नंबर नहीं है आपको आपकी लाइफ में, उस नंबर को ला सकते हो, कोई नंबर नेगेटिव ट्रेड्स दे रहा है उसको पॉजिटिव कैसे करना है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कोर्स में सिखाई जा सकती है। तो मैं आप स्लाइड से शुरू करूंगा आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ, ताकि जो लोग कुछ नए जुड़े हैं तो उनको भी पता लगे कि ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी होती क्या है, टूल क्या है हमारे पास ये, और आप इसको पढ़कर एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट बैच है वो 3rd of September से शुरू हो रहा है, 6:30 to 8 हमारे क्लास का टाइम ही रहेगा, इवनिंग हमारा टाइम है क्लास का, और जिसका एनर्जी एक्सचेंज 12,500 प्लस GST है, और ये मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, या आप नोट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, एवरी मंडे टू फ्राइडे। इसका क्लास का जो ड्यूरेशन है वो हम 20 क्लास मान के चलते हैं मिनिमम, लेकिन वो 25-26 तक क्लास भी हो जाती है, तो 20 से 25 क्लासेस का पूरा कोर्स रहेगा। क्लासेस इसलिए पढ़ जाते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन को ओवरकम नहीं करता, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कुछ भी पूछना है आपने, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मेरे से, तो इसलिए 3-4 क्लासेस एक्स्ट्रा लग जाती हैं।
तो ये हमारा कोर्स है, आप नोट कर सकते हैं, ऑल आर वेलकम, सभी वेलकम है इसमें। अब न्यूमरोलॉजी है क्या? देखिए, न्यूमरोलॉजी इज द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन इन विच नंबर एक्सर्ट एन इन्फ्लुएंस ऑन एवरी फैसेट ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनैलिटी। तो अंक विद्या भविष्यवाणी करने का वह रूप है जिसमें अंक हमारे जीवन और व्यक्तित्व के हर पहलू पर प्रभाव डालते हैं। मतलब आप समझिए, आपका नेचर, बिहेवियर, करेक्टर, इमोशंस, आपके प्रोफेशन, आपकी डिजीज, ओके, आपकी एजुकेशन, तो इन सब पर नंबर रूल करते हैं। जो नंबर्स आपके पास है उसके हिसाब से आप एजुकेशन लेंगे, जो नंबर्स आपके पास है उसके हिसाब से आपका नेचर, बिहेवियर, करेक्टर उस हिसाब से होने वाला है। तो सब कुछ नंबर आपको दे सकते हैं। इसका मतलब है अगर जो नंबर मेरे पास नहीं है और वो चीजें मैं करना चाहता हूं, तो उन नंबर्स को मैं किसी भी रूप में अपने लाइफ में एंटर करा सकता हूं। क्योंकि यहां पर ऐसा होता है, कुछ नंबर आपके पास नहीं होते, तो इसका मतलब जो नंबर नहीं है, अगर उन नंबर्स की आपने रेमेडी नहीं की, हमारा मेन टॉपिक भी ये रहता हमेशा, मिसिंग नंबर, कि आपकी लाइफ में जो मिसिंग चीजें हैं उनको कैसे लाएंगे। जरूरी नहीं है कोई चीज नंबर मिसिंग है तो उसको नंबर फॉर्म में लेकर आना है, आप उसकी रेमेडी कर कर भी आप उस जो फोर्स है उस नंबर की अपने जीवन में उस फोर्स को एंटर करा सकते हो, ये मतलब है। तो सबसे पहले, द हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन्स लाइफ इज रिटन इन हिज नेम एंड हिज डेट ऑफ बर्थ। जो इंसान की पूरी हिस्ट्री है उसके नाम और उसके डेट ऑफ बर्थ में लिखी हुई है। तो इसका मतलब नाम ही सब कुछ है, या फिर डेट ऑफ बर्थ ही बहुत कुछ बताती है। ये दो चीजें अगर किसी को पकड़नी आ गई, तो आप समझ सकते हो कि आप लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ हद तक डिजाइन कर सकते हो। अब नेम कौन सा, हमेशा ये रहता है जी, नाम कौन सा लेना है। तो सबसे पहले सबसे अच्छा नाम वो होता है, ए नेम गिवन स्पॉन्टेनियसली एट द टाइम ऑफ बर्थ विदाउट मेकिंग एनी कैलकुलेशन। एक ऐसा नाम जो उसको बिना कैलकुलेशन के आपको बचपन में मिला था, जब आप ना न्यूमरोलॉजी जानते ना कुछ जानते हैं, एक रैंडमली आपके दिमाग में नाम आया, वो नाम आपने रख दिया, ठीक है, उस नाम से आप इंसान के बारे में, उसका कंप्लीट करेक्टर, उसका बिहेवियर, उसकी हॉबीज, उसकी इंटरेस्ट, उसका वोकेशन, किस चीज में वो परफेक्ट कर सकता है, वो आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं, उसकी एंड स्टार्ट से लेकर एंड तक। लेकिन नाम वो होना चाहिए जो एट द टाइम ऑफ बर्थ मिला। अगर आपने नाम चेंज किया है तो एक दिन में उसकी एनर्जी नहीं मिलने वाली, उसमें टाइम लगेगा, और वो नेचुरल नाम नहीं है आपका, वो एक आर्टिफिशियल नाम रखा, वैसा बनना चाहते हो, समझिए बात को। जब आपको एक नाम रैंडमली दे दिया जाता है तो डेस्टिनी ने वो डिसाइड किया। जब नाम आपने कुछ से चेंज किया है, कुछ अल्टर किया है, कैलकुलेशन लगाई है आपने, तब आपने अपनी लाइफ को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ओके, तो वहां से आप वैसा बनना चाहते हो, वैसा इनबिल्ट नहीं हो आप। अगर इनबिल्ट होते तो वह नाम उसी पर आना होता था, लेकिन आप जो मिला है उससे अलग हटके कुछ आप चाहते हो लाइफ, ओके। तो इसलिए आपको अगर अपने बारे में जानना है तो उस नाम को कभी मत भूलना, जो बचपन में आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन जो आपका नाम मिला था, उसकी एनर्जी हमेशा लाइफ टाइम उसको कैलकुलेट कर आप जान सकते हो कि आप उस नाम के क्या मतलब थे। जब कोर्स में आते हो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, हम जो कोर्स में सिखाते हैं आपको सही, तो सभी को पता होगा हम जो सिस्टम सिखाते हैं, न्यूमरोलॉजी बहुत तरह की न्यूमरोलॉजी होती है, और मैं सभी तरह की न्यूमरोलॉजी जानता हूँ, चाहे वो पाइथागोरस सिस्टम है, लोसो सिस्टम है, चाइनीज ईस्टर्न वेस्टर्न है, चैलेडियन सिस्टम है, वैदिक सिस्टम है, कबाला सिस्टम है, ओके, ये छह साइंसेस तो मैं जानता हूं। इसके बावजूद भी 2014 से जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस सिस्टम पढ़ा रहा हूं। इसके पीछे कोई तो मतलब होगा, ओके, क्योंकि जो सारी साइंसेस पढ़ लेता है उसको पता है कि किसमें क्या अच्छाई है। अब जिसने पढ़ी एक है तो वो उसी का तो गुणगान करेगा, या उसको पता ही नहीं, उसके लिए तो वही दुनिया है, ओके। अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, देखिए मेरे तो सारे मेरे माँ बाप के बराबर है, मैं कभी किसी सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी विद्या की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर इन पांचों साइंसेज में से दी बेस्ट सिस्टम की अगर आप बात करते हैं, जहां पर चीजें बहुत कुछ है करने के लिए, यहां पर आप आएंगे तो पता लगेगा कि कितने सारे नंबर्स होते हैं आपकी लाइफ, तो वो है पाइथागोरस सिस्टम। तो पाइथागोरस सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है, एक कंप्लीट सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का, ओके। बाकी किसी भी सिस्टम में इतनी यूनिकनेस, इतनी कंप्लीशन किसी भी सिस्टम में नहीं। अगर वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो वहां दशाएं, ये सात दशा सिस्टम, ये सिस्टम, प्लैनेट, वो प्योर ज्योतिष बेस्ड है, तो वहां वो ज्योतिष को उसमें न्यूमरोलॉजी में लगाया गया, ठीक है। लो सिस्टम के बारे में आप सभी को पता है कि वो अपने आप में इनकम्प्लीट सिस्टम है, क्योंकि वहां पर प्रेडिक्शन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर जो भी प्रेडिक्शन की जाती है वो पर्सनल ईयर को देख के की जाती है। और मैं हमेशा बताता हूं कि पर्सनल ईयर किसी का भी एक से लेकर 9 तक हो सकता है, इससे आगे पर्सनल ईयर है ही नहीं। और इस संसार के अंदर 900 करोड़ की जनसंख्या है,
और एक से लेकर 9 नंबर है हमारे पास। तो एट ए टाइम पर्सनल ईयर इस वर्ल्ड में 100 करोड़ लोगों का एक जैसा चल रहा है, तो इसका मतलब है जब कभी आप लो सो सिस्टम में पर्सनल ईयर बेस्ड ऑफ प्रेडिक्शन आप जब करते हैं तो आपको समझ में आता है कि वो एक पर्टिकुलर इंसान की प्रेडिक्शन नहीं हो रही है, वो 100 करोड़ लोगों की प्रेडिक्शन आप कर रहे हैं। ओके, जिस तरह जोड़ी साइन है, 12 जोड़ी साइन है आपके, अब आप बताते हैं कि एरी साइन के में आज धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, तो एरी साइन के लोग पूरे संसार के अंदर 90 करोड़ लोग हैं, तो सबको धन मिलने वाला है आज इसका, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शन है, वहां उसके मतलब कुछ और है, इसको किसके साथ लगाया जाता है, तो ये पाइथागोरस सिस्टम में आप। ओके, तो जिस तरह लोशु सिस्टम, इस तरह ड्राइवर कंडक्टर को पकड़कर आप, क्योंकि मैं लोशु की क्यों बात करता हूँ, क्योंकि लोशु ये सब कुछ आपने सुनी होती है, कुछ ना किया भी होगा, तो आपको पता लगेगा कि जो आपने सिस्टम सीखा है उसके आगे भी कुछ साइंस है, तो आपने आपको कंप्लीट करना है तो आपको पाइथागोरस सिस्टम एक ना एक दिन सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जिस तरह वहां ड्राइवर और कंडक्टर, बस वहां दो ही टूल है, इसके बाद तीसरा टूल कोई है नहीं आपके पास, कुआ नंबर है चलो उसको ही मान लेते हैं, लेकिन कुआ नंबर से कोई प्रेडिक्शन थोड़ी ना करते आप, कुआ नंबर से कोई प्रेडिक्शन नहीं करते, वो रिजर्व फोर्स होती है, लोगों को ये भी नहीं पता कि कुआ नंबर के मतलब क्या है, वो रिजर्व फोर्स है, स्टेपनी है आपकी, आपकी गाड़ी चार पहियों पर चलती है, लेकिन ये नहीं रोज आप स्टेपनी चेंज करते हो, रोज आप स्टेपनी को निकाल कर देखते हो, वो रिजर्व फोर्स है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तब वो काम करती है, लेकिन मेन काम आपके ड्राइवर कंडक्टर करते हैं, वहां वो यही टूल है, या पर्सनल ईयर लगाते हो बस खत्म, कहानी इसके बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब आप पाइथागोरस सिस्टम की बात करते हैं तो यहां पर आपके जो इनिशियल नंबर है, 10 ऐसे नंबर है जो आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनमें से 5 नंबर होते हैं मेजर नंबर, वो मेजर नंबर कौन से हैं, वो आपके टैलेंट नंबर आपका होता है, डेस्टिनी नंबर आपका, हार्ट नंबर, पर्सनालिटी नंबर, अल्टीमेट नंबर, ये आपके मेजर नंबर है, और 5 माइनर नंबर होते हैं आपकी डेट, जिस डेट को आप पैदा हुए, ओके, आपका फर्स्ट नेम जो डेस्टिनी नंबर है आपके पूरे नाम से बनता है, लेकिन आपका एक नेम होता है, एक मिडल नेम है, एक कास्ट है, लेकिन आपका एक नाम होता है, वो नेम नंबर है आपका, फिर आपका हैबिट नंबर, नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज्ड इन योर फुल नेम, कितने अल्फाबेट यूज किए आपने, ओके, कितने नंबर आते हैं, तो वो आपका एक नंबर है, फिर आपका फर्स्ट वोवल कौन सा है, फर्स्ट लेटर कौन सा है आपके नाम, तो ये 10 नंबर सोचिए आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, इस 10 नंबर में से जो 5 नंबर है जो जिनको मेजर नंबर बोलते हैं, ये आपकी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, बाकी जो 10-5 नंबर है वो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इनको लगाना कैसे हो रहा है, ये सारी चीज आपको कोर्स में सिखाता हूं कि आपका टैलेंट नंबर क्या है, टैलेंट नंबर है आपका गॉड गिफ्टेड नंबर है, ओके, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ से बनता है, जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2nd February 1973, तो फरवरी की वैल्यू थे 2 और 1973 को जब ऐड करेंगे सबको, न्यूमरोलॉजी का पहला थंब रूल, जो भी चीज मिलती है उसको तब तक ऐड करते रहिए जब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो जाए, ओके, तो हमने 1+9+7+3 को किया 20, किया 20 को 2+0=2, फिर 2+2+2=6, तो माय टैलेंट नंबर इज 6। अब ये मान लीजिएगा सब अपना अपना टैलेंट नंबर नोट करके रखें, ये नंबर आपके जीवन में सबसे लक्की नंबर है, ये बता दो मैं आपको, क्योंकि गॉड गिफ्टेड नंबर है, मैंने डिसाइड नहीं किया मैं कब पैदा होना है, कौन सी मंथ में, कौन से डे में और कौन से साल में मैंने पैदा, मुझे नहीं पता है, ना मैंने डिसाइड किया, ना कोई कर सकता है, ये किसने डिसाइड किया, डिवाइन वर्ल्ड, और डिवाइन किसी के लिए कुछ चूज करता है ना, वो दी बेस्ट करता है, ओके, तो लेकिन कुछ नंबर, इसको आम भाषा में क्या बोला जाता है, कंडक्टर नंबर, और मैं जैसे वेबिनार तो नहीं सुनता किसी के, लेकिन जैसे कुछ पोस्ट आ रही है कभी यूट्यूब देख लिया, तो वहां पर लोगों ने अपना कंडक्टर नंबर को भी बताना शुरू कर दिया, आपको खराब नंबर मिला है, ये तो शुक्र है आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वरना तो ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं कि इसको भी चेंज कर दें आपके, क्योंकि नाम चेंज किए तो छोड़ते ही नहीं वो आपको, ओके, जो भी बंदा न्यूमरोलॉजी वाले के पास चला जाएगा उसका नाम चेंज होगा ही होगा, जाके देख लो, नहीं तो किसी के पास चले जाओ आप, किसी के भी पास चले जाओ, मेरे ऐसे कुछ इक्का दुक्का लोग होंगे जो इस साइंस को प्रैक्टिकली मतलब साइंटिफिक तरीके से लेते हैं, है ना, बहुत गिनती के 2-4% लोग हैं बस, लेकिन 95% लोग आपका नाम चेंज के बिना नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको वही टूल है कि बंदा आ गया नाम चेंज कर दो बस खत्म कर, न्यूमरोलॉजी इतना नहीं है, नाम चेंज कराने जाते हो क्या आप, अपने लाइफ को डिजाइन करने जाते हो, और 5 मिनट में नाम कभी चेंज नहीं होता, ये भी नोट कर लेना मेरे पास, और मैं जब तक बोलता रहूंगा जब तक हर इंसान को समझ नहीं आया, ओके, तो 6 नंबर टैलेंट नंबर है, इस तरह आप अपने टैलेंट नंबर को पहचानिए कौन सा नंबर, वो नंबर आपके लिए लाइफ में सबसे लक्की नंबर है आपका, आपके लाइफ में जितने भी नंबर आएंगे, आपने टेलीफोन नंबर लेना है, आपने गाड़ी नंबर लेना है, आपने मकान नंबर लेना है, और अभी यहां मैंने आपको दिखाया है जो टैलेंट नंबर, डेस्टिनी नंबर, अगला नंबर है डेस्टिनी नंबर, डेस्टिनी नंबर बनता है आपके नाम से, आपके नाम में जितने अल्फाबेट यूज किए हैं आपने,
उन हर एक अल्फाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ओके, अपने नाम में जितने अल्फाबेट हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करो, हर एक अल्फाबेट का एक नंबर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? आप इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर आप हमें मौका दे दिया करो ताकि हम स्क्रीनशॉट ले सके। तो आप ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट हैं, ओके, उनकी आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप में नाम में ए से लेकर जेड तक वैल्यू होगी, नंबर्स और अल्फाबेट होंगे, उन अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट कर लो, उनको जब तक ऐड करते रहो तब तक वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट ना हो पाए। जैसे मेरा नाम है नागेश कुमार तनवर, नागेश मेरा नाम, कुमार मेरा मिडिल नेम और तनवर मेरी कास्ट। देखिए साइंटिफिक तरीके से समझिएगा मैं सारी चीज जो बता रहा हूँ आपको कहीं नहीं मिलने वाला, से ना किसी किताब में मिलने वाली ये सब चीजें, और ना कोई सिखाता है ना पढ़ाता है। ओके, हर चीज का मैं साइंटिफिक मतलब बता रहा हूँ आप। तो नाम में एन की वैल्यू 5 होती है, की वैल्यू 1, जी की वैल्यू 7, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 8। तो ये नागेश लिख दिया मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में, ये कुमार लिख दिया न्यूमेरिकल फॉर्म में, और ये तनु लिख दिया न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, इन सबको ऐड करो, ठीक है? जब तक ऐड करो तब तक सिंगल में ना हो जाए। ये 27 आया तो इनको फिर ऐड करो, 2 + 7 = 9, इन सबको ऐड करो। इनको ऐड करने के बाद फिर जो सिंगल सिंगल आए इनको ऐड करो, तो 15 आया, फिर डबल डिजिट नंबर है, फिर इसको ऐड करो, 1 + 5 = 6, तो माय डेस्टिनी नंबर इज आल्सो 6, ठीक है? तो ये डेस्टिनी नंबर क्या बताता है? पहली बार टैलेंट नंबर क्या है? टैलेंट नंबर आप लाइफ में क्या करने आए, भगवान ने आपको भेजा ना, किसी पर्टिकुलर डेट पर भेजा है, तो कोई कॉज है, कोई मतलब है, ऐसे नहीं भेज दिया। तो टैलेंट नंबर आप क्या करने आए हो, टेस्ट नंबर ये बताता है आपको कि आपको लाइफ में वो जो करने आए हो उसके हिसाब से क्या अपॉर्चुनिटी, क्या सर्कमस्टेंसेस, किस तरह के लोग आपके जीवन में मिलने वाले हैं। और टेस्ट नंबर निकल रहा है आपके नाम से, टेस्टिंग का मतलब भाग्य है, इसका मतलब भाग्य आपके नाम के अंदर छुपा है। डेस्टिनी तो टैलेंट तो फिक्स हो गया, अब डेस्टिनी आपके नाम में छुपा है। ओके, अब ये टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपके जीवन की लाइफ के दो ऐसे घोड़े हैं या दो ऐसे पहिए आपकी गाड़ी के, जीवन रूपी गाड़ी के। अगर ये दो नंबर आपस में सिंक्रोनाइज हैं, कंपैटिबल हैं, तो आपकी लाइफ बहुत इजी गोइंग जाने वाली है। अब इजी गोइंग का मतलब ये नहीं कि कोई हर्डल्स ही नहीं आएंगी, अगर हर्डल्स भी कोई है, परेशानी भी कोई है, ऑब्स्टिकल भी कुछ आने वाले हैं, उनको साथ लेकर आप आसानी से निकल सकते हो। लेकिन अगर ये दो नंबर ही आपके कंपैटिबल नहीं है, तो समझ लीजिएगा आपकी लाइफ में ये दो नंबर ही आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सिंपल सी बात, और सिंपल सी बात और बताता हूँ, एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल। अगर आपके जीवन में रुकावटें सबसे ज्यादा आती हैं, मतलब एक वही काम जो आप कर रहे हो आपसे हो नहीं रहा, लेकिन दुनिया उसी काम को करके आगे बढ़े जा रही है, कोई भी काम आपका बिना रुकावट के नहीं बनता, तो समझ लेना आपका बिना कुछ कैलकुलेट किए आपके ये दो नंबर टैलेंट और डेस्टिनी नंबर आपस में कंपैटिबल नहीं है। ओके, अब कंपैटिबल नहीं है मान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम चेंज करूंगा मैं, क्योंकि आपका टैलेंट नंबर तो चेंज किया नहीं जा सकता, वो तो गॉड गिफ्टेड नंबर है, तो दिन और महीना और साल हो तो मैं बदल नहीं सकता आपका पैदा होने का, लेकिन नाम तो बदला जा सकता है। लेकिन नाम भी रेयरेस्ट कंडीशन में चेंज किया था, ये बता दूं मैं आप। लेकिन लोग क्या है, लोग भी खुश होते हैं जी, नॉलेज वाले पास गए, उसने डबल ए कर दिया, डबल एस कर दिया, डबल आई कर दिया, एक आर लगा दिया, बस मजे आ गए जी हमारे, ठीक है? ऐसा नहीं होता, आपकी आपका प्रोसेस ही गलत है वो चेंज कराने का, चलो उस पर डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा मजे की बात, अब इन तीनों वर्ड के मतलब अलग है, नागेश कुमार तनवर ये मेरा डेस्टिनी नंबर तो बना, लेकिन अगर और मान्यूट में नाम को जानना है, तो ये नाम है क्या, जो मेरे पर्सनल ट्रेट्स हैं वो मेरे नाम से आएंगे, नागेश से, कुमार ये मेरी रिजर्व फोर्स है, और तनवर ये मेरी एंसेस्ट्रल जो मुझे पूर्वजों से मिला है, ये मेरी वो गाइडेंस है, ये फोर्सेज है, इनको मिला के मेरा डेस्टिनी बनी है। अब लोग मैं देख रहा हूं कि अपने नाम को तनवर कास्ट को चेंज किए जा रहे हैं, मतलब कोई सिंगला था, कोई अग्रवाल था, उसमें अग्रवाल में एक जी की जगह तीन तीन जी लगा रखे लोगों ने, एक आर की जगह दो दो आर लगा रखे हैं, और कुछ ने तो ऐसे ऐसे वर्ड डाल दिए कि अगर उनको प्रोनाउंस करने में उनसे बोलना है तो इसको प्रोनाउंस करके बता दो, तो खुद प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे अपने नाम। सबसे पहले कास्ट को कभी भी आप चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि कास्ट जो है, अगर मैं तनवर को चेंज करना चाहूं तो मेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर, ये मुझे ये तनवर ये कास्ट ये मुझे पूर्वजों से मिली है, मेरा अपना कोई रोल नहीं है इसके अंदर, मुझे कोई हक नहीं बनता, जो चीज मुझे पूर्वजों से मिली है, अपने एंसेस्टर से मिली है, मैं उसको चेंज करो, मुझे कोई हक नहीं मिलता। ओके, आपने जो चेंज करना है इसको नागेश को चेंज करो, और कुमार को चेंज करते हैं तो रिजर्व फोर्स चेंज हो रही है आपकी, ये बता दूं आपको, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ लोग कुमार में डबल यू कर लेते हैं, डबल ए कर लेंगे, डबल एम लगा लेंगे, डबल के लगा लेंगे, ठीक है, तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, रिजर्व फोर्स है, जैसे कुआ नंबर रिजर्व फोर्स है, लेकिन लोग पता नहीं क्या समझ रहे हैं उसको, कि ऐसे ही
चाबी हाथ लगे जिसको यूज करके पता नहीं क्या कर सकते आप। ये रिजर्व फोर्स है, नो डाउट काम करती है, लेकिन रिजर्व फोर्स है ये, काम करना है अपने नाम में काम करो। ओके, तो यहां से चीजें पता लगती है। तो टैलेंट और डेस्टिनी, और ये दो नंबर सिंक्रोनाइज बनाने कैसे है, इनको देखना कैसे है, तीन तरीके से दो नंबर सिंक्रोनाइज देखे जाते हैं। अब जैसे मैं यहां बता रहा हूं आपको कि ये पांच नंबर, और पांच नंबर और बताया आपको माइनर नंबर। अब हर चीज की इनकी भी कंपैटिबिलिटी किससे देखी जाएगी, इस टैलेंट नंबर से देखी जाएगी। हम देखेंगे आपके चार्ट में टैलेंट नंबर की डेस्टिनी नंबर से क्या कंपैटिबिलिटी है, टैलेंट नंबर की हार्ट नंबर से, टैलेंट नंबर की पर्सनालिटी नंबर से, और टैलेंट नंबर की अल्टीमेट नंबर से। ऐसे टैलेंट नंबर की बर्थडे नंबर से, टैलेंट नंबर की नेम नंबर से, टैलेंट नंबर की हैबिट नंबर से, टैलेंट नंबर की फर्स्ट वोवल से, और टैलेंट नंबर की फर्स्ट अल्फाबेट से। ये तो हो गया आपके 10 नंबर, ऐसे कंपैटिबिलिटी मिलाई जाती है। अब जो आपको अगर न्यूमरोलॉजी नहीं आती, अगर ये 10 नंबर नौ नंबर बने ना, नौ नंबर की कंपैटिबिलिटी जितने टैलेंट नंबर से नंबर कंपैटिबल होंगे उतनी लाइफ आपकी इजी होगी। और अगर जितने नंबर आपके टैलेंट नंबर के एंटी होंगे उतनी लाइफ में आपके स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अब करो बैलेंसिंग। अब जब आप इनको बैलेंस करना सीखेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि पांच नंबर में कुछ काम नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज में टैलेंट नंबर को छोड़कर और बर्थडे नंबर को छोड़कर बाकी आठ नंबर जो निकल रहे हैं ना, वो आपके नाम से निकल रहे हैं। उसमें हर एक में नाम इन्वॉल्व है। जैसे डेस्टिनी नंबर है पूरा नाम, आठ नंबर में जितने आपके वोवल्स हैं आपके नाम में, पर्सनलिटी नंबर में जितने कंसोनेंट है आपके नाम में, और अल्टीमेट नंबर में बनता है टैलेंट और डेस्टिनी का एड करने से बनता है। उधर नेम नंबर वो नाम है, हैबिट नंबर नंबर ऑफ अल्फाबेट यूज इन योर नेम, फिर फर्स्ट वोवल फर्स्ट अल्फाबेट सब नाम से आ रहा है, तो आपके आठ नंबर चेंज हो जाएंगे। अब इन आठ नंबर को अब जब आप इसको किसी एक अच्छे नंबर पे लाना चाहेंगे तो सारे तो नहीं होंगे ना, एक को ठीक करोगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को ठीक करोगे तीसरा बिगड़ जाएगा। तो बहुत टाइम लगता है इनको संभालने में कि किस पे लेकर आए, कैसा नाम चेंज करें। ओके, तो इसलिए बहुत ईजी नहीं है नाम चेंज करना। जो लोग दो मिनट के अंदर नाम चेंज करा लेते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी के बाद अच्छा ये है, एक काम कर एक ऐसा और लगा ले, हो गया काम, मतलब कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ऐसे नाम चेंज नहीं होता। ओके, और अभी तो ये चीज देखिए, अभी टेम्परामेंट इंटेंसिटी सब आपके नाम से निकलती है। जब आप एक नाम में चेंजेस लाते हो ना, तो आपकी पूरा ग्रिड पूरा सिस्टम मिल जाता है आपका। ओके, नाम सोचिए ना, आपके पहचान नाम से अगर आज मैं अपना नाम कुछ और रख लूं और वीडियो बंद कर लूं तो कौन सुनने आएगा मुझे, क्योंकि मेरे नाम में मेरे नाम मेरी पहचान है, तो जो कुछ मिलता है मुझे नाम से मिलता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता कोई, तो नाम का बहुत बड़ा रोल है हमारे सिस्टम में। और पाइथागोरस ये मानता है कि जो नंबर, क्योंकि आज हम मिसिंग नंबर का मतलब है, आज हमारा मिसिंग नंबर का टॉपिक है हमारा, मिसिंग नंबर में बाकी जो कहीं भी मिसिंग है वो तो ठीक है, वो टूल हमें नहीं मिलेगा, ये टूल हमारी लाइफ के, ये एसेट है हमारी। जो नंबर आपका मिसिंग है, यानी कि उस नंबर के ट्रेड्स आप में नहीं है, उस नंबर की डेफिशिएंसी आपकी लाइफ में आ जाएंगे। हमारी लाइफ क्या है, कलरफुल लाइफ होनी चाहिए, उस कलरफुल लाइफ में सारे कलर हमारे जीवन में होने चाहिए, ये कलर है हमारे जीवन के, ठीक है। सातों प्लैनेट ये कलर है, नौ के नौ नंबर ये कलर है हमारी लाइफ के, और हमारी लाइफ में जो कलर नहीं होगा, मतलब कोई नंबर नहीं है तो कलर नहीं है वो हमारी लाइफ, वहां से हमारी लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट है, और उससे ज्यादा इंपैक्ट, चलो ये तो जो है आपका नाम, आपके नाम में जो नंबर मिसिंग है उस नंबर की डेफिशिएंसी डेफिनेटली आपकी लाइफ में जरूर आएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कोर्स करें तो बहुत बढ़िया है, आप अपनी लाइफ पर डिजाइन कर सकते हैं, कोर्स कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हर फैमिली मेंबर में पांच छह लोग होते ही है, छह लोगों की अगर मेरे से किससे भी कंसल्टेशन ला लेते हो तो 10-12 हजार तो वैसे लग जाएंगे कंसल्टेशन, और आप कोर्स सीख लीजिए, इतने में हम आपको कोर्स सिखा रहे हैं। और इस कोर्स के साथ साथ मैं आपको दो सॉफ्टवेयर फ्री के देता हूँ, ये सभी आप जानते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी का सॉफ्टवेयर और पाइथागोरस सिस्टम का सॉफ्टवेयर, ये आपको फ्री में दिया जाता है। ओके, कोई नहीं देगा आपको, जो लोग पढ़ा रहे हैं आपको बता दीजिए मुझे कोई अगर फ्री में आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है, और हम आपको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये फ्री वाले सॉफ्टवेयर नहीं है कि किसी ऐप पर नहीं मिलेंगे, ओके, ये पेड वाले सॉफ्टवेयर है जो कि मैं अपनी खुद बनाए और आपको फ्री में दे रहे हैं, वरना मैं बेचना चाहूँ तो उनको बेच भी सकता हूँ, और बिक भी रहे हैं, ऐसे नहीं लोग नहीं खरीदे, जिन्होंने पहले किया हुआ है उनके लिए कोई ऑफर नहीं है, लेकिन जो आप कर रहे हैं उनके लिए ऑफर है, तो आप आ सकते हो और सीख सकते हो। तो सबसे पहले मिसिंग नंबर, अब कोई भी नंबर अगर मिसिंग होता है, मैं आप में से एग्जांपल लेने वाला हूं, और वहीं से हम सीखेंगे कि अगर कोई नंबर मिसिंग है तो कैसे उसकी रेमेडी करें और क्यों वो नंबर जरूरी है। देखिए, हर नंबर जरूरी है आपकी लाइफ में, जैसे आपकी बॉडी पार्ट है, बॉडी में ऑर्गन है, ठीक है, चाहे वो इनर ऑर्गन है आउटर ऑर्गन है,
आपका हर एक ऑर्गन का मतलब है। अगर आप मैं बोलूं कि भाई एक आंख नहीं है तो एक आंख से काम चला ले, काम तो चला लोगे, लेकिन जो दो आंख के मजे है ना उसके मजे अलग है। तो आपकी बॉडी के अंदर जिस तरह सारे एक एक ऑर्गन की एक इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, इसी तरह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी नंबर मिसिंग है उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। उसका काम कुछ हद तक कोई और तो कर सकता है लेकिन उसकी जगह पूरी कोई नहीं ले सकता। और अगर नाम में नंबर नहीं है या कहीं भी आपका मेजर माइनर में नंबर मिसिंग है वो नंबर, तो उसकी लाइफ में डेफिसिट जरूर मिलेगी। तो हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ में कैसे नंबर को इन्वॉल्व करें। और जरूर नहीं होता, मैं फिर बात बता रहा हूँ, ये जरूर नहीं है कि आप अपने नंबर को मतलब आपके नाम को चेंज करें। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप अपना नाम चेंज करते हो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये हो ना कि आपने एक नंबर को छोड़ दिया और दूसरी उसके लिए दूसरे नंबर को लिया है अपनी लाइफ। तो एक छोड़ने के बाद दूसरा नंबर आया आपके पास, ये क्यों नहीं समझ रहे? एक छोड़ा है ना आपने तो दूसरे नंबर को लेकर आए हो। आप बोलते थे कंपैटिबल नहीं है, अरे कंपैटिबल नहीं है तो उसको रेमेडी करके कंपैटिबल बनाइए ना। अगर आप मान ली मैं एक फिजिशियन हूं या एक मैं एक सर्जन हूं, अगर आपकी आईज में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगा? उस हाथ को काट के फेंक दो क्या कि भाई दूसरा हाथ लगा ले यार, आर्टिफिशियल लगा ले, कोई बात नहीं। समझदारी किसमें है? समझदारी इसमें है कि जो चीज काम नहीं कर रही है आपके एंटी है उसको ठीक करने की कोशिश करो। ये कोई करता है क्या टेक्नोलॉजी वाला? देखा भाई अच्छा ड्राइवर कंडक्टर ठीक नहीं है या आपका नाम उसके साथ ठीक नहीं, चल भाई नाम चेंज कर फटाफट, चल जा खत्म, तू भी खुश रहा मैं भी खुश। तो आपको ही समझना पड़ेगा, समझिए, कोर्स कीजिए, आपको ऐसा बढ़िया वाला न्यूमरोलॉजी बनाऊंगा कि आप भी याद करेंगे और आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। टिकने का मतलब नहीं हमने युद्ध करना है, मतलब नॉलेज के मामले में आप हर चीज का जवाब दे सकते हो। और मेरे हर बैच के अंदर कम से कम 20% लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, वो लो सिस्टम किए होते हैं, जो आके देखते हैं ना कोर्स को कि सर ये इतना बड़ा कोर्स ये न्यूमरोलॉजी होती है क्या? मैंने कहा ये न्यूमरोलॉजी, ड्राइवर कंडक्टर पकड़ पकड़ के ना दो दो साल आपने खेल लिया, रिजल्ट को निकल के नहीं आते उससे, तो फिर क्या करोगे? ओके, तो आप आइए, कोर कंटेंट बड़ा वाइड कोर कंटेंट है हमारे पास। अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो आपको पता लग जाएगा। सबसे पहले 10 नंबर ये बताया आपको, फिर है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का अपने मतलब है, फिर है टेम्परामेंट, 4 तरह के टेम्परामेंट होते हैं, इंट्यूशनल, इमोशनल, मेंटल एंड फिजिकल। टेम्परामेंट आपके नाम से निकलते हैं, वहां पर भी एक नंबर आता है। फिर आपका निकलता है बर्थ फोर पीरियड, फिर पिनेकल, फिर चैलेंज नंबर, फिर इवेंट नंबर, इतने सारे नंबर हैं आपके। फिर बनता है लास्ट में निम्रोस्कोप। ओके, और मैं एक निम्रोस्कोप दिखा दूं पहले, फिर मैं शुरू करूंगा आपका आपके साथ कि किस तरह की, अच्छा निम्रोस्कोप भी ढूंढना पड़ेगा। चलो मेरा ना सिस्टम ऑफ हो गया था, खोलेंगे तब दिखा देंगे। ओके, तो सबसे पहले यह है कि निम्रोलॉजी आप सीखिए, बहुत वाइड कोर्स है और ये कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स। किसी भी सिस्टम में आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेंगी, इतने सारे नंबर्स होते हैं, आपकी लाइफ को कैसे डिजाइन करना है, हर चीज का एक मतलब है, हर नंबर का एक अपना मतलब है यहाँ पर। और जितनी तरह की रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपको कम से कम 7 से 8 तरह की रेमेडी बताता हूँ कि मंत्र से कैसे रेमेडी करनी है, यंत्रों से रेमेडी कैसे करनी है, दान से कैसे करनी है, न्यूमेरिकल यंत्र कैसे बनाने हैं, ओके, रुद्रास से कैसे रेमेडी करेंगे आप, कलर से रेमेडी कैसे करेंगे आप, ठीक है। तो इतनी सारी रेमेडी मैं आपको देने वाला हूं, आप आइए सीखिए। और इसके साथ साथ 2 सिस्टम आपको पढ़ाता हूं। अब इसका मतलब ये नहीं कि लो इनकम्प्लीट सिस्टम है तो उसके भी कुछ फायदे हैं। लो सिस्टम में आपने कोर्स के अंदर पाइथागोरस सिस्टम पूरा और लो सिस्टम भी पूरा पढ़ाता हूं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप लो सिस्टम कहीं से पढ़ने आते हैं तो वो तो मैं फ्री पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि मैं तो पाइथागोरस पढ़ा रहा हूं, लेकिन 3-4 दिन क्लास में आपको लो शु गिड़की भी लेता हूं, ताकि आपको मलाल ना रहे कि मैंने लो शु नहीं सीखा। और लोसो सिस्टम से मिसिंग नंबर की रेमेडी कैसे करेंगे? अभी लास्ट बैच के अंदर तो अभी 2 लेडी ऐसी, सर हम अभी लोसो करके आए थे, लेकिन जिस तरीके से आपने लोसो समझाया इस तरीके से उन्होंने भी समझाया, इतना लोसो भी मैं उस तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि आपने लोसो पढ़ा भी है ना तभी आप कहोगे सर मुझे ये चीज नहीं आती। लोसो में मिसिंग नंबर की रेमेडी एलिमेंट बेस कैसे करेंगे और उस मिसिंग नंबर से या लोसो ग्रिड से कैसे वास्तु करेंगे किसी का, मैं कॉम्प्लीमेंट्री ये भी सिखा देता हूं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से कैसे वास्तु करेंगे किसी, तो आइए सीखिए। तो इसका मतलब है एक फीस ले रहा हूं, 2 सिस्टम पढ़ा रहा हूं, उस नंबर से कैसे एलिमेंट बेस वास्तु करेंगे, यानी कि फेंगशुई भी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा उसमें, और नंबर से कैसे वास्तु किया जाता है ये सिखा रहा हूं, साथ में 2-2 सॉफ्टवेयर फ्री दे रहा हूं। और 20 से 25 क्लास देने के बाद आपको साइंटिफिकली प्योर न्यूमरोलॉजिस्ट बना के दे, ठीक है? तो आप आइए सीखिए।
चलो जी, अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेते हैं, और सबसे पहले एक मैं आपको तो सबसे पहले किसी का कोई जनरल क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूं सभी को, सब हैंड रेज करेंगे सिर्फ, मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा। यस डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा सबके फटाफट चार्ट बनाए जाए, जो नंबर मिसिंग है आपके नाम में वो आपको बताऊं कि भाई इस नंबर की आप रेमेडी जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नंबर मिसिंग है तो इस नंबर की डेफिशिएंसी जरूर होगी। अगर मेरे पूरे वेबिनार भी आप नोट करते रहेंगे ना, तो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट तो आप डेफिनेटली बन जाएंगे 2-4 महीने में, बिना फीस खर्च के भी बन सकते हो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में आएगी आपके पास। ठीक है, मैं कहता हूँ सिस्टमेटिकली वे से आप सीख लीजिए। तो सबसे पहले मैं जनरल टॉक करने के लिए हीना को बुलाना चाहूंगा, या एक हमारे साथ हो रहे हैं गीता जी, उनको इनवाइट करना चाहूंगा। हीना आप अपने एंड से कर सकते हो, हीना या गीता। सुरजीत जी अपने आप को अनम्यूट कर कीजिए। अच्छा आप नहीं कर पा रहे, चलो सबसे पहले हीना, हीना जनरल क्वेश्चन कोई आपका। सर मुझे डबल नंबर का सीरीज का भी इंतजार आपके वेबिनार के लिए। सर हो नहीं रहे, सुरजीत एक मिनट रुकिए। हीना क्या कह रहे हो, आपको डबल नंबर का मीनिंग जानना है। हाँ सर। चलो ठीक है, आने वाले वेबिनार हम इस पे लेकर आएंगे। देखिए जब कभी नंबर्स की बात करते हैं ना, तो जो नंबर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं आप, उसके पीछे फोर्स क्या लगी है डबल नंबर की, वो तक आपको बताता हूं मैं। ठीक है, मतलब आप देखिए मैं यहाँ कुछ रटवाता नहीं हूँ, कि मैंने बता दिया आपको कि जी 1 और 8 खराब है, 3 और 6 ये शुक्र और बुध है, शुक्र और बृहस्पति है, ये आपस में दुश्मन है। अभी पिछली क्लास वेबिनार में किसी ने मेरे को बोल दिया लास्ट में जाते जाते कि सर वो मैंने कोई वेबिनार सुना था वहां पर, वो कह रहे थे 3 और 6 तो एक जुपिटर है और एक शुक्र है, ये आपस में शत्रु है। मैंने कहा उससे पूछा ज्योतिष पढ़ा कितना है उसने, अभी 1-2 महीने से कोर्स कर वो पढ़ाना शुरू कर दिया होगा उसने। ओके, ज्योतिष के बारे में जे नहीं पता, और वो बात करता है शुक्र और बुध गुरु आपस में दुश्मन ग्रह। ओके, और मैंने कहा उससे ये पूछ लेना कि अगर 3 और 6 इतना ही खराब है, और मतलब 6 नंबर के बारे में बुराई कर रहा था कुछ, मतलब बोल रहा होगा मुझे नहीं पता, वो मैडम बता रही थी, मतलब 6 नंबर अच्छा नहीं बोल रहे थे वो। तो मैंने कहा दुनिया 6 नंबर के पीछे भाग रही है, हर इंसान 6 नंबर चाहिए उनको अपनी लाइफ में। आपकी मैरिड लाइफ 6 नंबर है, आपका जो पार्टनर है, स्पाउस है, लाइफ पार्टनर, वो 6 नंबर होता है, शुक्र है वो बेसिकली। ओके, आपकी जितनी लग्जरी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो 6 नंबर से आएगी। वो 6 नंबर तो सब कुछ है आपकी लाइफ में, आप गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, ठीक है, ये सब कुछ आपको 6 नंबर देता है, और उसी की बुराई कर रहे हो आप, और सब बंदे इसी के पीछे भाग रहे हैं, और फिर कहते हो शुक्र तो दैत्यों का गुरु है। अरे भैया इतना ही वो राक्षसों का गुरु है, तो क्यों जाते हो उसके पास, छोड़ दो सारी चीजें, क्यों लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हो, क्यों मकान में रह रहे हो, ठीक है, कर रहे हो ये सब चीज शुक्र देता है आपको, मत लो ना फिर उसको, क्योंकि वो तो देते हुए गुरु है, लेकिन फिर हर इंसान इसी के पीछे भाग रहा है। तो ये सारी चीज समझनी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, मतलब नहीं पता, किताबें पढ़ ली बस हो गया जी, हम तो बन गए न्यूमरोलॉजिस्ट, तो पढ़ाना शुरू कर दी। ठीक है, तो किताबें पढ़ लो, इससे तो बढ़िया, कम से कम मिसगाइड तो नहीं होंगे। फिर 1 और 8 के बारे में बड़ा हुआ फैला रखा जी, 1 और 8 डेस्ट नंबर है जो है आपस में, बड़ी खतरनाक है जी, दुश्मन है जी, बहुत बढ़िया। अभी भी हर वेबिनार में इस बात मैं बोलता हूँ ताकि आपको नॉलेज मिले। देखिए मेरा मकसद आपको गाइडेंस देने का है, आपको आपको क्या अच्छा क्या बुरा ये भी बताना मेरा फर्ज है। जैसे 1 और 8 के बारे में बड़ी बुराई की जाती है, ठीक है जी, हमें पता है, बोलते हैं सूर्य और शनि आपस में दुश्मन है, मैंने कहा जी मुझे ही पता है, पिछले 10 साल से ज्योतिष में ही पढ़ा रहा हूँ, और जिसने ये बात बताई है उसने न्यूमरोलॉजी पढ़ी होगी बेशक, ज्योतिष नहीं पढ़ी उसने, लोगों को पता ही नहीं है दोनों राजा हैं, सूर्य भी राजा है और शनि भी राजा है। अब ये हायरार्की जब आप पढ़ते हैं, इनको क्या बोला जाए, बाप बेटा है, ओके, दूसरा दोनों ही राजा हैं। अब देखिए एक रूल करता है डे टाइम में, सनराइज से लेकर सनसेट तक में सूर्य रूल करता है आपके ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, और नाइट टाइम जो होता है वहां शनि रूल करता है। तो सूर्य महाराज अपनी सत्ता किसको देके जाते हैं, शनि को, धरती को संभाल, डार्कनेस हो जाती है, फिर शनि महाराज फिर सुबह उठ के फिर सूर्य को कहते हैं जी अब आप संभाली सकता मैं चला, तो दोनों दुश्मन नहीं है। अब लोगों को यही नहीं पता इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, वहां लिख तो दिया बुक में, बुक में ये लिखा हुआ है, ये बहुत नंबर है,
लेकिन एंटी नंबर, कोई दो नंबर एंटी नहीं होते, किसी एक कंटेस्ट में, किस कंटेस्ट में बोला गया है भाई। अगर मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, मैं एक इंसान हूं, कोई एक इंसान ऐसा मिलेगा आपको जो हर सेक्टर में खराब होगा? कोई नहीं मिलेगा भाई, और ना ही कोई ऐसा बता सकता जो हर सेक्टर में दी बेस्ट। मैं बाप भी हूं, मैं बेटा भी हूं, ठीक है, मैं भाई भी हूं, मैं किसी का ताऊ हूं, किसी का चाचा हूं, ठीक है, मैं किसी का गुरु हूं, किसी का शिष्य हूं, मेरे कितने सारे रूप हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई, हो सकता है मैं बाप अच्छा ना बन पाया, तो इसका जरूर नहीं कि मैं बेटा भी अच्छा नहीं बना था, या मैं गुरु भी अच्छा नहीं बना। इसीलिए ये आपको समझना पड़ेगा, जब दो नंबर आपस में एंटी होते हैं, वो एंटी होने से आपके लाइफ के किस सेक्टर को खराब करेंगे। इन जनरल बोल देना कि भैया ये दो नंबर एंटी और ये खराब है, बस वो खराबी किस में करेंगे। और लोगों को ये नहीं पता, 1 और 8 नंबर, दोनों नंबर अगर किसी के पास हैं, तो आपसे ज्यादा मेंटल प्लेन, मतलब दिमाग किसी का अच्छा नहीं हो सकता, आपसे ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसी में नहीं आ सकती, आपसे ज्यादा सिंसियरिटी किसी दूसरे इंसान में नहीं आ सकती। कितने बढ़िया नंबर, लेकिन लेकिन माइक ऑफ होना चाहिए प्लीज सबका। लेकिन अगर आपको यही नहीं समझ में आया, ठीक है, अब आपको आपकी मर्जी है, आप इसको एंटी नंबर मानिए 1 और 8 को, या बुरा नंबर मानिए, ठीक है। अगर आपको दी बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, अगर आपको लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, लाइफ में अगर आपको आप चाहते हो कि आपके पास काम की कमी ना हो कभी भी, लाइफ में आप चाहते हो आप किसी पावर पोजिशन को अटेन करना चाहते हो, आप भीड़ अपनी मासिस का कारक बनना चाहते हो, भीड़ को अपने पीछे चलाना चाहते हो, तो 1 और 8 नंबर से अच्छे लीडर कोई नहीं बन सकते, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, लेकिन अब ये 1 और 8 खराब कहां करते हैं, ये आपकी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ को खराब करते हैं, क्योंकि 1 और 8 का मतलब प्यार मोहब्बत से है ही नहीं। आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ कैसे अच्छी चलेगी, वहां पर दिल का मामला है, और इन दोनों नंबर का दिल से कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब 1 और 8 कॉम्बिनेशन किसी का होगा तो उसकी पर्सनल लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, और कहीं दिक्कत नहीं आने। अब चॉइसेस योर कि इस कमेंट को अच्छा मानना है बुरा मानना है। ओके, अगर यहां पर कमी है तो क्या करेंगे हम, समझदारी इसमें होती है कि ये नहीं कि 8 पे आ रहा था नाम चेंज कर दो, या 1 पे नाम आ रहा चेंज कर दो। समझदारी ये है, अब मुझे पता लग गया कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है तो ये कमी इसकी लाइफ में आ सकती है, अब मैं क्या करूंगा, बाकी जो नंबर लेकर आने हैं तो मैं प्यार मोहब्बत वाले नंबर इसकी लाइफ में लेकर आऊंगा, या एक विजन 3 नंबर या 6 नंबर इनके लाइफ में लेकर आऊंगा। यही तो आर्ट है, यही तो सीखना है, वरना तो किताबें भरी पड़ी हैं। यही सीखना, और ये सब चीजें किसी किताब में नहीं। ओके, या अगर नंबर नहीं ला सकता फिजिकल फॉर्म में, तो मैं इनकी रेमेडी कराकर इनको जो लव एंड रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ सकती है, कि जिसकी डेफिनेशन 2 नंबर देंगे, उसकी क्या रेमेडी करके आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे उस नंबर को या उस क्वालिटी को, तो वो आपको सिखाया जाता है। बहुत मतलब देखिए, हर साइंस के अंदर लूपहोल होते हैं, मतलब वो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये एक्सपीरियंस से चीजें आती हैं। जब आप डीप साइंस पढ़ते हो, रिसर्च करते हो, वहां से आती हैं। साल 6 महीने पढ़कर ना कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला, फिर तो किताबी ज्ञान है वो। कोई साल 6 महीने पढ़कर पढ़ा रहा है या आपको गाइड कर रहा है तो वो बस किताबी नॉलेज दे रहा है। तलाक का क्या कारण होता है, तलाक के बहुत सारे कारण होते हैं, अभी किसने लिख दिया तलाक, चलो यहाँ डिस्कस एक नजर पड़ी तो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम भी मानते हैं कि जो भी चीज दिख गई सुन गई, इनके डिवाइन ये कह रही है कि इसको जरूर बताओ। अब तलाक के बहुत सारे कारण बन सकते हैं, जब हम रिलेशनशिप आपको कंपैटिबिलिटी सिखाते हैं तो हर कंपैटिबिलिटी के मतलब अलग अलग है। अगर आप बिजनेस कंपैटिबिलिटी चाहते हैं तो उसकी मायने अलग है, वो अलग तरीके से होगी। जब आप लव एंड रिलेशनशिप या शादी की कंपैटिबिलिटी चाहते सिखाएंगे हम आपको, 4 तरह से कंपेटेबल होते हैं। हम टैलेंट से टैलेंट को कंपेटेबल बनाते हैं या देखते हैं, फिर हार्ट नंबर मैचिंग करेंगे, फिर टेम्परामेंट मैचिंग करेंगे, फिर उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो मैचिंग करेंगे। 4 तरीके से किसी को भी बताया जा सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है, डेफिनेटली बताया जा सकता है, और इसमें से कुछ हद तक हम ठीक कर सकते हैं, कुछ हद तक, क्योंकि टैलेंट नंबर मेरे हाथ में नहीं है, दोनों का टैलेंट नंबर क्या आपके डेट ऑफ बर्थ से मिलता है। फिर पर्सनल ईयर जो चल रहा होगा उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, कोई मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है, मैं चेंज क्या कर सकता हूँ, आपके हार्ट नंबर और आपका टेम्परामेंट, ये मैं 2 चीजें, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहां पर, मैं सब चीजें चेंज कर सकता हूं। तो
तो वहां पर कोई कोशिश करते हैं, नहीं तो क्या करेंगे, रेमेडी कराएंगे, कुछ रेमेडी कराएंगे कि आपके लाइफ में जो लव एंड रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, चाहे जो अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, वो चार्ट देखेंगे आपके दोनों के, कि आपके दोनों के चार्ट में प्रॉब्लम क्या है, जड़ क्या है उसकी, तो रूट कॉज क्या है डिवोर्स का। ओके, तो वहां से सिर्फ चीजें समझ में आती है, वरना नहीं आएंगे सर। ठीक है, तो ये मतलब है, तो तब समझ में आती है चीजें। ओके, तो अभी जब हम कोर्स में बताते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप चीजें सीखते हो। तो मतलब ये है कि हर कंपेटिटिविटी अलग अलग तरीके से की जाएगी, कि लवर रिलेशनशिप कंपेटिटिविटी कैसे देखनी है और बिजनेस पार्टनरशिप की कंपेटिटिविटी कैसे देखनी है। फिर नाम खुद का चेंज नहीं किया जाता, नाम चेंज हम कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करो, जो आपने फर्म खोली है उसका नाम चेंज कर सकते हो। अपना नाम चेंज करके क्या होगा, फर्म का नाम चेंज कर लो, एक नंबर ही लाना है ना अपने जीवन में आपको, अपने मकान नंबर चेंज कर लो, जिस तरह से आपका एक डस्ट नंबर होता है, आपके मकान का भी डस्ट नंबर है, आपकी ऑफिस का भी एक नंबर है, तो अपने ऑफिस का नाम रख लो, क्यों अपने नाम को बिगाड़ रहे हो। और आपकी बहुत पर्सनल चीज है तो अपनी कंपनी का नाम ही चेंज कर लो, नई कंपनी शुरू कर लो, उस कंपनी के नाम में एडिशन कर लो, नंबर ही तो लाना है आपका अपनी लाइफ में, वो और क्या कर रहे हो आप, ले आओ वहां से ले आओ। तो ये मतलब है, आप आइए सीखिए, आपको समझ में आएगा। चलो मैं नाम लेता रहूंगा और सब एक एक करके अपना बोलते रहेंगे, मैं मिसिंग नंबर किसका है उसकी कुछ कुछ कलर से आज रेमेडी बताने वाला हूँ। उन कलर्स को देखिए, मैं कोर्स में तो 8-10 तरह की रेमेडी बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही रेमेडी बताऊंगा आपको हर मिसिंग नंबर की। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं, जिन दो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो सॉफ्टवेयर आपके सामने है, ये दो सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। और ये पहला जो सॉफ्टवेयर है आपके सामने है, नेम एस्ट्रो मिलान लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, ये वर्ल्ड का पहला सॉफ्टवेयर है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ बड़ा तीर मार लिया है, तीर तो है नहीं मारा, पर हाँ एक सोचा तो सही। जब कभी आप नाम चेंज करते हैं तो नाम चेंज करने से पहले आज तक किसी न्यूमरोलॉजी वाले ने ये नहीं सोचा कि नाम का पहला अक्षर इसको सूट करता नहीं करता, क्योंकि वो पता ही नहीं लगा सकता, क्योंकि ज्योतिष का काम है, ज्योतिष की नॉलेज कोई जिसको वही बता सकता है। तो हमने आपकी सुविधा के लिए एक ज्योतिष का सॉफ्टवेयर बनाया है, इस सॉफ्टवेयर का यूज कर आप ये जान सकते हैं कि क्या आपके नाम का पहला अक्षर आपके कंपेटिबल है या नहीं है, यहां से आप जान सकते हो। ओके, तो यहां पर क्या करना था, तीन चीजें डालनी होती है आपने, राशि, नक्षत्र और चरण। और ये होते क्या है ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ 5 मिनट में, और इनको फीड कीजिए, चेक नेम कंपेटिबल डालिए, और ये आपको बता देगा कि आपका जो नाम का पहला अक्षर है आपके डेट ऑफ बर्थ से कितना कंपेटिबल है। और इसके पीछे जितनी भी कैलकुलेशन हो रखी है वो सारा एस्ट्रोलॉजिकल है, सारी एस्ट्रोलॉजी लगी हुई पीछे। इसलिए जब कभी बच्चा पैदा आपके घर में होता है तो सबसे पहले नामकरण करने के लिए आप नाम अक्षर लेकर आते हो, और वो किससे लेकर आते हो, किसी ज्योतिषी से या पंडित जी से जिसको ज्योतिष का ज्ञान है, न्यूमरोलॉजी वाले पास तो नहीं जाते आपके, पहले ही नाम अक्षर लेके आते हो। तो ये नाम अक्षर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर ही आपके कंपेटेबल नहीं है ना, तो मैं तो हमेशा बोलता है और बोलता रहूंगा कि वर्ल्ड के दी बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नाम चेंज करा लेना। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा, कब लास्ट टाइम भी रह गया था, क्या नाम था, सोवित, फिर आप सभी को बताते हैं कि उनका कौन सा मिसिंग नंबर है, और आपको देख कर पता लगेगा कि इसको यूज कैसे कहता है। एक मिनट में अभी देख रहा हूं आपका कहा नाम चला गया। हाँ जी सुरजीत जी, अपने आपको अनम्यूट कीजिए। सर सुरजीत सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हो सुरजीत? ठीक है, ठीक नहीं सर। ठीक नहीं है सर, चलो ठीक कर देते हैं सर। तो देखिए यहाँ से तो यहाँ पता लगता है, आपके इसमें राशि नक्षत्र चरण डालेंगे तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, और ये बता देगा कि पहला अक्षर आपको कंपेटेबल है या नहीं है, उसके लिए छोटा ज्योतिष लगाना पड़ेगा और कोई सर। ठीक है, तो आपने तो डबल एस लगा लिया, क्यों लगाया डबल एस अपने नाम? सर ऐसे ही मैं लगा दिया, मेरे मन में लगा दिया। अरे वाह, ऐसे ही लगा दिया, आपको पता नहीं आप अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हो, भाग्य बदल रहे हो उससे, ऐसे कोई चीज नहीं लगानी चाहिए कभी, ठीक है, गलत होता है ऐसे लगाना। अभी जो ना कि आप बुखार है तो अपना आप दवाई ले लेंगे, क्या पता कौन सा बुखार है, कौन जानता है, कुछ जान सकता है फिर नहीं सर।
पता लगे भगवान ना करे कोई दूसरा बुखार हो और आप सिर्फ क्रोसिन लेके सोच रहे ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी बताइए? 1910 1970 1970 1910। हाँ सर, अक्टूबर। ओके, अक्टूबर और 19। देखिए ये सॉफ्टवेयर है जो आपको पाइथागोरस सिस्टम आपको सारे कैलकुलेशन जो आपको बताई है करके देता है। नाम क्या लिखते हैं अपना? सौरजीत, SOURJIT। JIT आगे क्या लगाते हैं? बेहरा, BEHERA। BEHERA ठीक है। हाँ सर जी। अच्छा, देखिए आप सभी यहाँ देख सकते हैं डेमो भी चल रहा है हमारा सॉफ्टवेयर का, और ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको फ्री में दिए जाते हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल डालिए इसमें और सिर्फ कैलकुलेट पे बटन दबा दिए थे तो आपको जितने भी ये सारी चीजें वो आपको दे देगा। ये देखिए ये जो 10 नंबर की मैं बात कर रहा था मेजर नंबर, ये 5 मेजर नंबर है इनके लाइफ के और ये 5 माइनर नंबर है। ओके, तो आपका टेल नंबर 1 है और डेस नंबर 7 है, यही आपस में कंपेटेबल नहीं है पहली बात तो, 1 और 7 दोनों की अपोजिट नेचर है। ओके, तो दूसरा हमारा आज का टॉपिक है मिसिंग नंबर। अब आप देखिए इनके लाइफ में कौन सा नंबर मिसिंग है। मिसिंग नंबर सबसे पहले आपने देखना होता है नाम से, तो सुरजीत आपके नाम के अंदर एक तो 4 नंबर मिसिंग है और एक 7 नंबर मिसिंग है। 7 नंबर आपके डेस्टिनी में आ गया, कुछ हद तक जो नाम में मिसिंग है अगर ऊपर वो नंबर है तो कुछ हद तक कमी वहां से पूरी हो जाएगी। दूसरा 4 नंबर आपका मिसिंग है, 4 नंबर आपके नेम नंबर में है तो कुछ हद तक कमी यहां से कुछ हद तक पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी मैं अगर ये बताना चाहूंगा आपको कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ में रूटीन की सबसे बड़ी कमी है, सिस्टम कहता है ना, एक लाइफ रूटीन होनी चाहिए, नियम कायदे कानून की थोड़ी कमी है आपकी लाइफ में। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब ये कहां से पकड़ा मैंने, क्योंकि 4 नंबर मिसिंग है आपका, और 4 नंबर अगर मेजर नंबर में नहीं है तो वो मिसिंग ही माना जाएगा, और 4 नंबर बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, अथॉरिटी 4 नंबर देता है तो आपको लाइफ में अथॉरिटी की कमी हो सकती है, वो तो ठीक है 8 नंबर मिल गया लेकिन 4 नंबर मेन अथॉरिटी का नंबर है। हाँ सर, प्रॉपर्टी का नंबर होता है 4 नंबर, तो प्रॉपर्टी की डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी लाइफ। हाँ है ना सर, मुझे तो नहीं पता भाई, मैं तो आपके मिसिंग नंबर से पकड़ रहा हूँ। जब तक इन नंबर्स की आप रेमेडी नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी आने में दिक्कत आएगी, प्रॉपर्टी लोगे उसमें लिटिगेशन हो सकते हैं, पढ़ सकते हो आप। ठीक है, या प्रॉपर्टी के लिए तरस सकते हो, बड़ी मुश्किल से प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, या लाइफ में नियम कायदे कानून बनाने में दिक्कतें आएंगी। तो ये मिसिंग है आपकी लाइफ में, इसको लाओ कान में कर लो भाई। ठीक है, तो आज मैं कलर से बताने वाला हूं कि आप नंबर को कलर से कैसे यूज करेंगे। तो सरजीत जी आपने कुछ नहीं करना, यहाँ मैं बड़ी सिंपल रेमेडी बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कुछ ज्ञान नहीं है और वो सीखना भी नहीं चाहते चीजों को, तो मैं ये मेरा मानना ही है कि आप सिंपल रेमेडी बताइए ताकि जिसको कुछ भी नहीं पता है आगे साइंस सीखनी भी नहीं है, वो आज हमारे वेबिनार में सिर्फ अपना भला करने के लिए आया तो वो भी वेलकम है, डिवाइन ने उसको चूज किया है तो आप सभी वेलकम है हमारे वेबिनार में, तो मैं उनके कुछ काम आ सकूं। तो जिसका भी 4 नंबर मिसिंग है, अब आप मिसिंग नंबर निकालोगे ऐसे, या तो आपको नॉलेज होगी या आप सॉफ्टवेयर आप ले हमसे, तो सरजीत एक काम करें सिल्वर ग्रे अपनी लाइफ में यूज करना शुरू। ठीक है, कॉफी कलर, ग्रीन कलर, ठीक है सर, ये सब चीजें यूज करना शुरू कर दो, सिल्वर ग्रे कलर, कॉफी कलर और ग्रीन कलर सर। ठीक है, और इंडिगो या मैरून कलर, इन 5 कलर में से कोई भी एक या 2 कलर पकड़ ले सर, इनको अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा यूज कर। ठीक है सर, अब यूज करने का मतलब ये नहीं है कि दीवारें भी तो पूरी ब्राउन या ये रंगवा दे सिल्वर कलर की, जो डार्क कलर होते हैं उनको कम एरिया में यूज किया जाता है। ठीक है सर। ओके, और जो लाइट कलर होते हैं उनको मैक्सिमम एरिया में यूज किया जाता है, तो जो मैंने कलर बताए हैं उन कलर को अपनी लाइफ में लेकर आओ। ठीक है सर, इतना शुरू कर दे तो लाइफ में अपना आप ही देख लो चेंजेस आ जाए लाइफ में आ जाए। और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो बता दे सर जी। एक क्वेश्चन सर मेरा, सर जी पास्ट 1 साल हो गया मेरा नौकरी नहीं है सर। क्या हो गया? पास्ट 1 ईयर से नौकरी नहीं है सर। नौकरी नहीं है, नहीं है। चलो नहीं सर। आपने पूछ लिया तो बता देंगे यार, नौकरी भगवान करे सबको। अब देखिए 4 नंबर मिसिंग है ना, तो 4 नंबर काम का नंबर भी है सर, तो काम में भी दिक्कतें आ सकती है आपको, क्योंकि देखिये यही नंबर है, मैंने बताया कलर है आपकी लाइफ का, और एक कलर आपकी लाइफ में बहुत जगह मिलता है। ठीक है, तो अपने आपको स्टैब्लिश करने में अपनी लाइफ की फाउंडेशन करने का नंबर है 4 नंबर, अगर ये मिसिंग है तो फाउंडेशन वीक है आपकी लाइफ की, लाइफ की फाउंडेशन सोचिए 4 नंबर आपको फाउंडेशन देता है, 4 दीवारी, चौखट, 4 पिलर खड़े करते हो आप अपने मकान के,
तो ऐसी जीवन के चार पिलर हो सकते हैं आपके, जिसपे आपके जीवन खड़ा हुआ है। तो चार नंबर मिसिंग है तो आपकी लाइफ अनस्टेबल रहेगी, चार नंबर अर्थ एलिमेंट का नंबर भी है। अब ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं तो पता नहीं कहाँ से ज्योतिष भी लगा रहा हूँ, वास्तु भी लगा रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीज लगाया जा रहा हूँ। आप कोर्स में आते हो तो आप सीखते हैं। तो आपको लाइफ में नौकरी नहीं है अभी, ओके, बस एक ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी का साल ही अगले साल आ रहा है जरा सर, अगले साल आ रहा है। इस साल रिसर्च कर, भक्ति कर, स्पिरिचुअल जर्नी करो, ऑकल्ट साइंस पढ़ो, ये नंबर चल रहा है। ओके, तो इसी साल तेरा रुझान बढ़ाया गया भाई इन इन साइंस की तरफ ज्यादा। ओके हाँ सर, प्रभु थे। हाँ सर, क्यों बढ़ाया? इसी वजह बढ़ाया, तेरा नंबर इतने दिन ही ऐसे चल रहे हैं। भक्ति करो, ठीक है, स्पिरिचुअलिज्म में जाओ, अपने मंदिर मंजी के दर्शन करो, जिस धर्म से जिस प्रथा से आप आते हैं। ओके, और ये साल थोड़ा सा जॉब के मामले में बहुत स्ट्रगलिंग था, नो डाउट, ठीक है। तो उम्मीद है कि दिवाली के बाद डेफिनेटली आपकी नौकरी लगने वाली है, और बाय चांस नहीं लगी, बाय चांस की बात है, वैसे लग जाएगी, लेकिन जैसे ही अगला साल आता है विद इन अ 2 मंथ तेरी बहुत अच्छी जॉब लगने वाली है। ओके सर, अब इसकी रेमेडी कर ले। अब मैं तेरे को एक रेमेडी और दे रहा हूँ ताकि तेरी जॉब अच्छी से लग जाए, क्योंकि देखिए काम है सब कुछ है, इंसान की पहचान उसके काम से होती है, काम ही नहीं है तो फिर पहचान दिक्कत होगी, है ना। भगवान करे, देखिए काम सबके पास होना चाहिए, सब देखिए मैं हमेशा सबसे दुआ करता हूँ, भगवान से हमेशा दुआ करता हूँ, काम सभी को दे, किसी को कम दे, किसी को ज्यादा दे, पैसा उसमें सैलरी कम है ज्यादा वो अलग मैटर है, लेकिन काम इंसान के पास होना चाहिए। वो एक रेमेडी कर ले भाई। अच्छा, एक तो बुधवार के दिन गणेश जी को 4 बूंदी के लड्डू का भोग लगाना है। गणेश बूंदी का लड्डू सर? बूंदी के लड्डू, एक तो बेसन के लड्डू होते हैं, बूंदी के लड्डू होते हैं। हाँ सर, बूंदी के लड्डू हर वीरवार और एवरी वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे, ठीक है, गणेश जी को भोग लगा। दूसरा, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ डेली करना शुरू कर दे, तो ईश्वर ने चाहा ना तो अगले महीने तू फोन करके खुद बता रहा होगा मुझे विद इन ए मंथ कि सर मेरी जॉब लग गई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है सर जी। और ये थैंक यू सर, इन कलर को अपने जीवन में लिया ताकि जो चार नंबर मिसिंग है ना लाइफ से, हाँ सर, कुछ कुछ तेरे कलर के माध्यम से तेरी लाइफ में एंटर कर जाए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट नंबर लगाते हैं हम, यार मुझे बड़ा मुश्किल आती है, कोई मेरी हेल्प करेगा क्या नाम बोलने में, क्योंकि लोग कहते हैं सर आप उन्हीं का नाम लेते हो जिस जो आप जानते हो, मैं तो किसी को नहीं जानता है। हीना बच्ची है क्या अभी हमारे साथ? हीना है क्या आप? हीना, हीना, हाँ सर मैं हूँ। चल ठीक है, बता किसका नंबर लेना है, नाम बोल कोई। सर डॉक्टर विजय कुमार शर्मा। डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, डॉक्टर विजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो प्लीज। जी कर लिया सर। वेलकम है डॉक्टर साहब आपका जी। चलो बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। हाँ, एक तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ आपको मैं बता रहा हूँ। बताइए सर। 21 जुलाई 1964। विजय जी क्या लगते हैं पूरा नाम? VIJAYKUMARSHARMA जी सर। ठीक है शर्मा जी, हमने डाला आपकी, और बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर नहीं लगेंगे, लेकिन डॉक्टर एक कॉमन नेम है जी। तो सबसे पहले तो देखिए आपके नाम के अंदर हैबिट नंबर कार्मिक नंबर आ रहा है, और आपका नेम नंबर 122/4 है जी, तो ये अच्छा नंबर है, लेकिन कार्मिक नंबर हैबिट नंबर आ गया तो ये थोड़ा सा तकलीफ दे हो सकता है। और आपका जो टैलेंट नंबर है 3 है और डेस्ट नंबर 2 है, ओके, ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन नो डाउट अच्छा कॉम्बिनेशन। शुक्रिया सर। अब आपके नाम में मिसिंग क्या है ये देखो जी। देखिए पहली बात तो कार्मिक नंबर है आपके नाम में, हमारी कार्मिक नंबर के पीछे सीरीज चली थी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरा एक यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से, आप सिर्फ गूगल पे डॉक्टर नागेश तन्वर लिख दीजिए, ओके, आपको पता लग जाएगा कि मेरी ब्रांडिंग इतनी है, पूरे पेज पर पहले पेज पर मैं नजर आऊंगा। मेरा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको 450+ वीडियोस जो कि पूरे नॉलेजेबल है वो आपको वहां मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट साइंस के ऊपर, तो आप वहां से नॉलेज ले सकते हो, वहां से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले,
और कार्मिक नंबर के चार कार्मिक नंबर होते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, 13, 14, 16 और 19। ये चार नंबर आपके कहीं भी हैं, मेजर में है, माइनर में है, आपकी इंटेंसिटी में आते हैं, कहीं भी अगर आपकी लाइफ में है तो ये सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ के, ये आपकी लाइफ को टफ बनाते हैं। इसलिए हमने वो पूरी सीरीज शुरू की थी और मैं ये सीरीज दोबारा शुरू कर रहा हूँ। हमारा नंबर 13/4 पर है, क्योंकि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी, कार्मिक नंबर। ये जब तक नहीं हटेंगे ना तो आपके पुराने जन्म के कर्म आपके आगे आ रहे हैं, वो आपको प्रोग्रेशन रोकते हैं, आपके लाइफ में लिमिटेड रिसोर्स पैदा करेंगे, ये मतलब है। ओके, तो इनको पढ़िएगा, आप पुराना वीडियो देखिएगा सर मेरे सब्सक्राइब करके विजय जी, तो 67 में कार्मिक नंबर देखिएगा, वहां मैंने रेमेडी बहुत अच्छे से इलैबोरेट की होगी। बिल्कुल। अब सर नंबर आपके लाइफ में मिसिंग है 5 और 6। जी। और 5 नंबर आपके पास हार्ट नंबर में है, तो कुछ हद तक कमी पूरी होगी। जी। अब बात आती है 6 नंबर। 6 नंबर है सर आपकी फैमिली लाइफ या रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी। तो यहाँ कहीं ना कहीं कमी ये दे सकता है, क्योंकि आपके पास मेजर नंबर में भी कहीं भी 6 नंबर नहीं है, लेकिन एक ब्लेसिंग भगवान ने आपको दे दी। जी। आपका जो बर्थडे नंबर है और टैलेंट नंबर है 3 पे ले आया। जी। तो 3 क्या देता है आपको, देखिए यहाँ लॉजिक समझना पड़ेगा। जी। कौन सा नंबर डेफिशिएंसी कब देगा, किस इंटेंसिटी की दे सकता है। अब आपने क्या दिया, 6 नंबर की कमी है आपकी लाइफ में। जी। भगवान ने आपको एक बुद्धि दी है, इंटेलिजेंस पावर दी है, विजन दिया है, बुद्धि है ना, समझ रहे ना, बुद्धि, विवेक। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने उसका यूज किया होगा तो 6 नंबर की कुछ अत्तर डेफिशिएंसी आपने अपने विवेक से, बुद्धि से पूरी कर ली। जी। लेकिन अगर नहीं किया होगा, अगर 3 नंबर की जगह कोई और नंबर होता तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में 6 नंबर की कमी जरूर रहती। जी। तो बताइए आप, 6 नंबर मतलब फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या आपका लाइफ, मैरिड लाइफ होती है 6 नंबर, तो अगर वो आपने संभाली है या तो जिया, तो आपने कहना कि उसमें आपकी बुद्धि बढ़िया चली, नहीं बढ़िया चली है, लेकिन आपकी बुद्धि काम आई है उसमें, इंटेलिजेंट। जी। जुपिटर की ब्लेसिंग है आपको, लेकिन नाम में मिसिंग था सर, फिर भी रेमेडी कर लो। कुछ बता दीजिए सर मेरे बारे में, क्या हमें करना है, कुछ बता दीजिए, कुछ गाइड कर दीजिए। 6 नंबर आपको लग्जरी देता है सर, लग्जरी 6 नंबर के बिना नहीं आती कभी, ठीक है। जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रही हो हमेशा, या रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप पूरी नहीं कर पाए, ये भी 6 नंबर की वजह से आ रही है। आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए, क्योंकि हमारा तो आज का टॉपिक मिसिंग नंबर के ऊपर है, तो मैं तो 6 और 5 की रेमेडी बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके नाम में 2 नंबर मिसिंग है, 6 और 5। जी। तो सबसे पहले बात, तो आप आजादी पसंद इंसान हो, मतलब आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ के अंदर। जी। यस और नो? यस सर। ठीक है, उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते आप। जी। फ्रीडम आपकी मेन प्रायोरिटी है लाइफ। जी। और आपके नाम में 22/4 है वैसे नेम नंबर, तो जब कभी भी आपके मेजर माइनर नंबर में 22/4 आता है तो ये मेजर नंबर है, एक अच्छा नंबर होता है, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करा देता है, आपको लाइफ में मौके बहुत देता है। लेकिन अगर कार्मिक नंबर हाई हो गया तो ये मौके खत्म करता है, तो जरूर आपको लाइफ में ऊपर उठने के बड़े अच्छे अच्छे मौके मिले होंगे। मिले हैं सर, मिले हैं, बता रहा हूँ, लेकिन आपने उनको गंवा दिया हो सकता है, क्योंकि आपको हैबिट नंबर एक कार्मिक नंबर है, किसी एक बुरी आदत की वजह से या कुछ भी कारण से वो मौके को आप हो सकता है कैश ना कर पाए, जिस लेवल का आपको कैश करना चाहिए, ठीक है। तो ये 22 को समझिए, ये आपको लाइफ में अपलिफ्ट कराता है। तो आप देखिए आपकी लाइफ में 1 नंबर भी बहुत ज्यादा बार है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कहीं ना कहीं आप एक 1 नंबर के नेगेटिव ट्रेट्स भी आ सकते हैं आप में। 1 नंबर है ईगो और सेल्फिशनेस, तो अगर ये ईगो नहीं पाली आपने लाइफ में तो आपकी लाइफ इजी गोइंग चली जाएगी, अगर ये आपने ईगो पाल ली तो यही ईगो आपको लाइफ में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकती है, या वो फैमिली लाइफ में करे या आपकी पर्सनल लाइफ में करे या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में करे, ठीक है। तो सबसे पहले 6 नंबर की आप रेमेडी कर लीजिए, हो सकता है जो लाइफ में आप चाहिए, क्योंकि सारे लग्जरी। सर क्या करना है मुझे 6 के लिए, वही बता रहा हूँ, कलर वगैरह कुछ बताते हैं के बारे में, कुछ बताइए तो मैं बताऊँ आगे कुछ और, कि लाइफ में क्या किसी की डेफिशिएंसी आपने फील की अपनी लाइफ, क्योंकि थोड़ा सा का बर्थडे आप बर्थ है आपका, तो 50 साल मतलब बल्कि 60 साल तो आपकी लाइफ हो गई है। जी। अब आपने अपनी लाइफ को बता पाएंगे ताकि हम आप लोग आपसे सीखें कि भाई ये नंबर। सर कैरियर तो मेरा बहुत शानदार रहा है। ठीक है सर, बता दिया 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं, कैरियर में कोई दिक्कत। कैरियर शानदार रहा है, रिस्पांसिबिलिटीज अच्छी हमने की हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा कंसर्न रहता हूँ मैं, थोड़ा सा। अच्छा, बच्चों के लिए कंसर्न ज्यादा रहते हो। जी जी ठीक है, कोई बात नहीं।
अब ये भी कंसर्न भी क्या उनको ज्यादा टेक केयर करना है या उसके उनके पीछे मतलब उनकी देखना कि भाई क्या करेंगे क्या नहीं, उनकी ज्यादा चिंता करना नहीं, सेटल हो जाए ठीक प्रकार से, यही कंसर्न रहता है बस थोड़ा। अब ये क्या, ये क्यों रहता है, ये भी मिसिंग छह की वजह से आ रहा है। जी जी, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो आप करना चाहते हो दूसरों के लिए या परिवार के लिए या फैमिली मेंबर के लिए, शायद आप उतना नहीं कर पा रहे, आपको ऐसी फीलिंग आती है। कुछ हद तक देगा जी, यही काम करना है। सिंपल एक काम कीजिएगा, काम मतलब आपका। अब देखिए कोई नंबर मिसिंग है वो नंबर की रखती आप किस एज में कर रहे हो, ये भी मैटर करता है। अगर ये मेरे साथ 20 साल में आते तो मैं रेमेडी कुछ और कराता, अगर ये मेरे पास ये कैरियर वाली 30 साल एज में आते तो मैं रेमेडी कुछ और कराता। अब ये लाइफ में मेरे से पूछ रहे हैं 60 प्लस की, अब मैं इनको रेमेडी कुछ और बताऊं तो रेमेडी सेम नहीं होती। यहां तक हम आपको बताते हैं कि रेमेडी को कैसे आप अलग अलग एज में कैसे रेमेडी को बताएंगे लोग। जी सर, 6 नंबर की रेमेडी सबसे पहले आप कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। आपने कुछ नहीं करना सर, शुक्रवार के दिन जो एक एज वाली फीमेल है, एक एज से ऊपर मतलब आपकी एज की या 50-50 प्लस की, उनको कुछ भी मीठा खिलाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और हो सके तो हर शुक्रवार के दिन वृद्धाश्रम में जाकर मीठा डोनेट कर देना। मीठा अपनी तरफ से घर पे हलवा बना के लेंगे, खीर बना के लेंगे, बाजार से 1 किलो रसगुल्ले खरीद लिए, बर्फी खरीद ली, इतना कर लो सर। इसके साथ साथ, क्योंकि आपने बच्चे से रिलेटेड बात पूछी है, इसके साथ साथ आपने वीर थर्सडे और फ्राइडे के दिन आपने जुपिटर के मंत्रों की चैंटिंग भी करनी 108 टाइम्स। जी, इसको सर रिपीट कर दिया, रिपीट कर बांटे जाए तो उससे पहले जुपिटर के 108 टाइम मंत्रों की चैंटिंग जरूर करके जाइए। सर ये जरा फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए मुझे क्या करना है। जो बता दें मैंने आपको, आपने वृद्ध आश्रम में जाकर, जो ओल्ड एज आश्रम है, ओल्ड एज होम है, वहां पर जाकर उनकी सेवा करनी है। सेवा का मतलब उनको शुक्रवार के दिन कुछ मीठा खिलाकर आना है। जी बिल्कुल ठीक, ठीक है। या किसी एक एज फीमेल को, मतलब एक एज से ऊपर फीमेल हो, उसको कुछ भी मीठा डोनेट कर सकते हो आप। बिल्कुल ठीक सर जी। और आपने शुक्रवार को और वीरवार को, अभी थर्सडे एंड फ्राइडे, आपने शुक्र बृहस्पति का मंत्र का जाप करना 108 108 बार। अच्छा ठीक है सर। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से जी नमः। जी ठीक है नमः। ओके, जिसकी चैटिंग इससे और आप करिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चाह रहे हैं ना बच्चों से रिलेटेड, आप देखिएगा आपको रिजल्ट आपके सामने होगा कुछ टाइम। जी ठीक है जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू विजय जी, थैंक यू। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, I am grateful to you sir, highly grateful to you sir. Anytime sir, anytime. God divine करना है सर, हम क्या करने वाले, हम तो जो help हो सकती करते हैं। नमस्ते सर। जिसने कोर्स करना है कोर्स आइए सीखिए, बहुत लंबा कोर्स है। मैं जरूर ज्वाइन करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा सर। Anytime सर। नमस्ते सर, नमस्ते। चलो हिना, आगे कोई है? हिना बोले, हिना भी शायद अनम्यूट हो गई है अपने आप को। स्वाति जी हमारे बीच में, स्वाति जी है, स्वाति जी अपने आप कॉल कर सकते हो। और नीतू आर सांगवी सिंघवी, नीतू जी आप भी अपने आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, बाकी बने रहिए आप। देखिए जरूरी नहीं कि मैं जिसका नहीं नंबर आएगा, आप सीख सकते हो ना, जो मैं बता रहा हूँ आप देखिए आपके नाम में क्या मिसिंग है, तो अपनी लाइफ में देखिए उसकी रेमेडी आप कर सकते हो। लेकिन किस एज में है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रेमेडी मैं हर एज के हिसाब से कभी कभी अलग बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं मैं जनरल रेमेडी जब बताऊं, जब सारे कर सकते हैं जिसको तो सारे कर लीजिएगा, लेकिन कोई पर्टिकुलर बता रहा तो वही इंसान करे इस तरह। हाँ जी बताइए, बोलिए कौन बोले। हेलो, हाँ जी मैं बताऊं, स्वाति बात कर रही हूँ। स्वाति, स्वाति हाँ टी आर स्वाति एम ए सी मच्छिंद्र नाम एम ए सी डबल एच ठीक है।
मेरे को पापा का नाम है, आगे सरनेम रहता है सर हमारा, आगे सरनेम रहता है सरनेम, सरनेम अच्छी बात, सरनेम क्या है, H A हाँ P A S E यस सर, ओके सर, डेट ऑफ बर्थ है 26 फेब 1979। ठीक है, आप इसलिए सॉफ्टवेयर देते हैं आपको कि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े और यहाँ पर सबको 1979 सर, 1979 तो ये सारा कैलकुलेट करके देता है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री मिलता है, फिर यहाँ से कंपैटिबिलिटी आपको दे सकते हो कि आपके कौन से नंबर कंपैटिबल है। देखिए ये कार्मिक नंबर है नहीं आपके पास, डेस्टिनी नंबर के साथ कंपैटिबिलिटी क्या है आपकी, टाइल नंबर की, हार्ट नंबर से कंपैटिबिलिटी क्या है, पर्सनालिटी नंबर से कंपैटिबिलिटी, अल्टीमेट नंबर से कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी नहीं है कहीं नेगेटिव है तो क्यों नेगेटिव है वो। ओके, अब हार्ट नंबर से नेगेटिव नेगेटिव लिखा गया है, वन स्टार रेटिंग है, इनके मतलब है कुछ, वो आपको सारा कोर्स में सिखाऊंगा मैं, इनको इनके मतलब क्या है, कैसे इसको दूर करेंगे आप, एटलीस्ट आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, तो सॉफ्टवेयर आपके पास है और फ्री में देते हैं आपको। ठीक है, और नेम न्यूमरोलॉजी ये आपको बताया जाता है कि नाम का पहला अक्षर चूज करना है, आपको ज्योतिष नहीं आता तुम्हारा सॉफ्टवेयर यूज करो, आपको बड़ा काम आता है ये सॉफ्टवेयर। चलो जी, आपका टैलेंट नंबर वन है, आपका डैश नंबर थ्री है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वन एंड थ्री का, जीवन के दो लाइफ फोर्स आपके, ये अच्छी फोर्स है दो आपके पास। ओके, हार्ट नंबर भी वन है, परसेंट नंबर दो है और अल्टीमेट नंबर चार है। चलो ठीक है, और आपका नाम भी सर, आपके नाम भी छह नंबर मिसिंग है और छह नंबर आपका कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब आपका मेंटल प्लेन है 10। भाई मैं इतना तो बोल सकता हूँ स्वाति जी आपके बारे में, भगवान ने अगर सब कुछ ठीक रखा तो लाइफ में एक दिन आप एक यूनिक पर्सनालिटी जरूर बनेंगे, आपका नेम फेम जरूर होगा। है सर, जैसे एक कहावत होती है ना कि बचपन में जैसे पूत के पांव पालने पहचान ले जाते हैं कि बड़ा होके नेम फेम कमाएगा क्या करेगा, आपकी लाइफ में भगवान ने अगर साथ दिया, बड़ों की ब्लेसिंग आपके ऊपर रही, तो डेफिनेटली एक नेम नाम जरूर कमाओगे आप, एक पर्सनैलिटी बनोगे लाइफ में, जरूर बनोगे। यस सर, ठीक है, क्योंकि आपके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके नंबर है, देखिए मेंटल प्लेन पर 10 नंबर है आपके पास, तो जिसका भी किसी प्लेन पर, चार प्लेन होते हैं लाइफ में आपके और ये सारा नाम से निकलता है आपके पास, अगर किसी भी प्लेन पर 10 या 10 से ऊपर नंबर आपके बन जाते हैं, ओके, और इंटेंसिटी भी कुछ नंबर की फोर्स ज्यादा है आपके पास, और मेजर नंबर में कुछ नंबर अगर आपके पास हैं, तो आप एक यूनिक पर्सनैलिटी डेफिनेटली, और आपके मैं देख रहा हूँ कि वाकई में एक अच्छे नंबर आपके पास है, मतलब भगवान वो तो ईश्वर बताएगा या आगे वाला टाइम बताएगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी आप बनेंगे अच्छी लाइफ में, नेम फेम जरूर कमाएंगे, आइडियल पर्सनालिटी बनेंगे। ठीक है, बस नेक नेक से काम करते रहना, और छह नंबर मिसिंग है सिर्फ, उसकी रेमेडी कर लो, बाकी सब ठीक है सारे, आपको बेस्ट बेस्ट नाम और बेस्ट नंबर्स हैं आपके पास। अच्छा सर, मेरे सर मेरा एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो नंबर से रिलेटेड ही होगा प्रॉब्लम, या वन नंबर से रिलेटेड हो सकता है अगर आपने उसको नेगेटिव ट्रेट्स लिए हैं, लेकिन ये बाकी थोड़ा थोड़ा नंबर की क्या ये है, अच्छा बेसिक बहुत बेसिक, ठीक है कोई बात नहीं, तो लेकिन ये नहीं जानते होंगे ना आप इतना सब कुछ, कितने सारे नंबर न्यूमरोलॉजी में इतने सारे पढ़ा होते हैं, इतना नहीं जानती इसलिए आपका वेबिनार कर रही हूं मैं अभी, तो आप आइए सीखिए बहुत अच्छे, जब आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो मैं पिछले 10 साल से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, नाड़ी भी पढ़ाता हूं, ओके सर, टैरो भी पढ़ाता हूं, न्यूमरोलॉजी भी पढ़ाता हूं, लागदा भी पढ़ाता हूं, केमिस्ट्री भी, इंटरेस्ट है सर मुझे,
क्योंकि हर एक साइंस का कुछ अलग फ्लेवर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने देखा होगा ज्योतिष में वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो योग बन गए, दशा स्टार्ट हो गई, कुछ नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास काम करने। यस सर, बहुत लिमिटेशन भी रहते हैं कुछ, लिमिटेशन आता है बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ, टैरो और न्यूमरोलॉजी सबको सीखनी चाहिए, बहुत सारे टूल है वहाँ, और कुछ कुछ के आंसर जो ज्योतिष नहीं दे सकता, ज्योतिष तो सब कुछ कर सकता है लेकिन हमारे में एबिलिटी नहीं होती इसको जानने की। यस सर, आप टैरो पढ़ेंगे तो 15 दिन के टैरो पढ़ लीजिए आप, 2 महीने में आप मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, आप ही कहोगे यार ये तो पहले पढ़ लेना चाहिए था। अच्छा सर, श्योरली सर। तो 6 नंबर की रेमेडी करो आप, अच्छे ठीक है, क्या करनी पड़ेगी सर? 6 नंबर क्या आपकी है, पढ़ लेना आपका, ठीक है, शादी हो गई है? यस सर। ठीक है, सब ठीक है भगवान की दया से, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है सर लेकिन एडजस्ट कर लिया है सब। क्यों प्रॉब्लम है, ये तो 6 नंबर मिसिंग है ना, ये ना 6 नंबर यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है 6 नंबर। सर बर्थ डेट पे 26 है तो वो नहीं आता है क्या? ऐसे नहीं, ऐसे तो कहीं ना कहीं पकड़ ही लाओगे। अच्छा ओके, मुझे लगा बर्थ डेट का 6 लेते हैं, जबरदस्ती नहीं लाया। ओके सर, पीछे है भी तो माइनर फोर्स है ना, बहुत ज्यादा वीक है वो, अगर है भी। ओके सर, तो 6 नंबर की रेमेडी आप करेंगे, आपने सिर्फ एक काम करना है, हर शुक्रवार के दिन जब आपको लगे कि लाइफ में लग्जरी या फैमिली लाइफ या पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो लगातार 11 शुक्रवार आप 6 कन्याओं को भोजन करा देना। ओके सर, छोटी कंजगिरनी बिछाते हैं हम लोग नवरात्रों में, आप पूजा करके खाना खिलाते हैं, लगातार शुक्र कर दीजिएगा, और शुक्र का मंत्र, क्योंकि आपकी एज भी ऐसी है और लाइफ में आप बहुत कुछ पा सकते हैं आप स्टेट ऑफ वर्क के साथ, और शुक्र के मंत्र की चैंटिंग आप 108 टाइम्स डेली करना शुरू करो कुछ टाइम के लिए। उसके बाद उसको शुक्रवार शुक्रवार रख देना, अभी कुछ टाइम, महीना 2 महीना जैसे जब आपको फील लगे आप एवरी फ्राइडे अभी रोज कीजिए 108 बार, और कुछ टाइम के बाद 43 डेज के बाद फिर आप एवरी फ्राइडे कर लेना बस इतना। ओके सर, ओके सर, आप भगवान ने चाहते हो इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आपका नाम होगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी, नेक्स्ट कौन थी हमारे साथ, नाम लिया था मैंने, उन्होंने अनम्यूट कर लिया गया अपने आपको, मैंने दो नाम दो लोगों पर म्यूट वो किया था। पुष्कल शर्मा जी, सुचिता जी, हेलो, पुष्कल शर्मा, हाँ जी पुष्कल शर्मा जी, सुचिता जी, अफिक में 2001। एक मिनट रुको भाई, बताना शुरू करते, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ पुष्कल जी, एक मिनट रुकिए, सुचिता बोलिए आप। हाँ सर, मेरा 4th फेब। हाँ, क्या नाम है, मतलब वो ईयर बताइए पहले, ईयर बर्थ ईयर। 1968 सर, 1968। क्या है आपका महीना? 4 फरवरी, 4/2/1968। अब देखिए आपका कार्मिक नंबर अगर ना होता मैडम, आपके पास 22/4 है। हाँ जी सर, तो 22/4 होता, लाइफ में मौके बहुत अच्छे मिलते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, लेकिन अगर ये कार्मिक नंबर के साथ आए तो आप उसको कैश नहीं कर पाते, ये दिक्कत आती है। कार्मिक नंबर सर हैबिट नंबर में आ रहा है, हैबिट नंबर में आ गया ना, 13/4, ये कहीं भी आ जाए दिक्कत है, देगा देगा ठीक। बाकी आपका जो टैलेंट नंबर है और डेस्टिनी नंबर है बहुत अच्छा है, 3 और 9, ठीक है, इसको देखते हुए आपका हार्ट नंबर आ गया 22/4, तो मैडम आप एक शब्द बोलूंगा, एक शब्द में समझ लेना, बिग हार्टेड वुमन। हाँ जी सर, बड़े दिल वाले, ठीक है, आपके आपके दरवाजे से शायद ही कोई खाली जाता हो, जो आप चाहे हेल्प के मामले में आया या किसी मामले में आया, आप किसी को निराश करके बहुत कम लौटाते, आप पूरा एक्सटेंड जाकर उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होते। हाँ जी सर, घर वालों से गालियां भी सुननी पड़ती हैं। तो मैडम ये तो मैं वही अगला शब्द मेरा यही था कि घर वाले कहेंगे तो दुनियादार की है, मतलब हम कोई काम कह दो तो नहीं करती, कोई पूछ के आ जाए ना रात को हाई मांगने,
सर बिल्कुल यही डायलॉग, बिल्कुल यही यही डायलॉग यही डायलॉग हाँ जी सर। तो कोई बात नहीं मैडम, इंसान पता नहीं भगवान ने शायद इसलिए भेजा आपको धरती में कि दुनिया की हेल्प करो। जैसे वो कहते हैं ना हर एक सोल की अपनी जर्नी है, अपनी जर्नी है, सही बात है, आपको ये मिला है ना तो उसको जियो, अच्छी बात है, कोई बात। अब आपके नाम मिले 6 नंबर और 7 नंबर मिसिंग है। हाँ जी सर 7 नंबर मिसिंग है तो कोई बात नहीं, 3 नंबर आपके पास 2 बार है, अल्टीमेट में 3 है और यहाँ पर भी 18 नंबर भी 3 है आपके पास, और आपके 3 की पावर बहुत ज्यादा है आपके पास, तो भगवान ने बुद्धि दी है 7 नंबर को, नहीं भी है तो ले आओ अपनी लाइफ। और कहीं ना कहीं 9 नंबर भी ना, ये 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर और 9 नंबर ये स्पिरिचुअलिटी के नंबर है एक तरह से। ओके हाँ जी सर। और 22/4 ये भी मास्टर नंबर बोला गया, ये भी स्पिरिचुअल नंबर है, ठीक है। आप कह रहे थे ना मैं क्यों आगे, मेरे पास 7 नंबर नहीं है, 22 11 और 22 जिसके पास भी है उनको किसी नंबर की जरूरत नहीं है और सपोर्ट की, वो अपने आप पे स्पिरिचुअल नंबर है, दोनों स्पिरिचुअल नंबर बोले जाते हैं हमारे 11 नंबर और 22 नंबर, वो आपके 22 नंबर है क्या, और हमें किसी नंबर की जरूरत नहीं है, और टेस्ट वाला नंबर 3 लेके बैठे हो आप तो नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन आप करना है तो 6 और 7 की रेमेडी कर लो, ठीक है। क्या करना है, ठीक है, 7 की करोगे 6 की करोगे, क्या चाहते हो सर, जो आप बोलोगे। देखिए 6 नंबर आपको मेटीरियल वर्ल्ड में लेके जाएगा, 7 नंबर आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जाएगा, अब चॉइस आपकी है सर। 7 से तो आ ही गए हो ना आपकी लाइन में, 7 तो आ ही गए हैं, ठीक बात है, 6 नंबर की करनी है तो कर लो। 6 नंबर की आपके लिए रेमेडी बहुत बढ़िया वाली है मेरे पास, आपने सिर्फ ये करना है कि शुक्रवार के दिन, ठीक है, हाँ जी, गाय को हरा चाला खिलाना शुरू कर दो, कोई भी हरी चीज खिलानी शुरू कर दो, ठीक है। शुक्र गाय अपने आप पे शुक्र है, हाँ जी, उसको थोड़ी देर उसके साथ बैठा करो, थोड़ा उस पर मालिश कराया करो, उसकी थोड़ा हाथ हाथ करके 5-10 मिनट उसकी ओरा में रहो, तो ताकि शुक्र की क्वालिटी आपके अंदर आ जाए जो डेफिशिएंसी है, ठीक है। और एक होते ना काम दे रही गाय जिसमें एक बछड़ा है, ठीक है, बछड़ा दूध पी रहा है, हाँ जी सर, हाँ जी, वो एक इस तरह की चीजें आप अपनी लाइफ में अगर विनस स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो एक साउथ ईस्ट उस पिक्चर को लग रख दीजिए, स्टैचू फॉर्म में साउथ ईस्ट में अपने घर के साउथ ईस्ट हो या अपने बेडरूम का साउथ ईस्ट हो, वहां पर एक गाय जो बछड़ा बछड़ा गाय के साथ पिक आती है ना कि बछड़ा गाय का अपनी माँ का, एक ऐसा स्टैचू ला के रूम के साउथ ईस्ट हो कॉर्नर हो या पूरे घर का साउथ ईस्ट हो वहां पर प्लेस कर दें। सर फ्रेम पिक्चर या स्टैचू, जो मर्जी कर सकते हो, स्टैचू लाने तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं अगर कुछ आपको जगह मिलती है वहां पर रखने की तो फ्रेम भी लगा सकते हो, नो डाउट, ठीक है सर, वो 2 डायमेंशन में है फ्रेम, वो 3D फॉर्म में, ठीक है, 3D के रिजल्ट और अच्छे आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं 2D भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है सर। और बताइए सर ये जो हैबिट नंबर है इसका कोई ज्यादा असर तो नहीं है, 13 ऑब्लिक भाई आएगा तो भाई, ये क्या करता है मैं बता, कल वेबिनार है हमारा इसके पीछे ऊपर, हां जी हां जी, आप आइएगा, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों बना, सारी स्टोरी बताई जाएगी आपको, लेकिन एक शब्द में बता देता हूँ, अगर ये किसी का भी होता है जब तक इसकी रेमेडी आप नहीं करेंगे 13/4 की लाइफ में लिमिटेड रिसोर्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी लाइफ में लिमिटेड आएंगी आपकी। अब आप लेके बैठे हो 22 नंबर, यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, लेकिन कार्बन नंबर के साथ लेके बैठे हो तो या तो वो आई नहीं होंगी अभी तक, आई भी आए तो इस फॉर्म में आए क्या, उसको कैश नहीं कर पाए, लिमिटेड मौके लाइफ में मिलते हैं, 13/4 रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है, ओके चलो। कल का तो आप 14 नंबर पे ले रहे हो सर, कल तो 14 पे है, कोई नहीं फिर बता, अगली बार से कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे, ठीक है सर, चलो बढ़िया नंबर, बढ़िया आपके पास, लेकिन बढ़िया नंबर है। और सर जो पहला नाम है अक्षय मेरे नाम का वो बराबर है, हाँ सुचिता 5 पे आ रहा है, वो आपका फ्रीडम दे रहा है मैडम, ये तो सर वो भी बिल्कुल ठीक है, वो तो दुरानी ने बांध के रखा हुआ है आपको, वरना तो आप तो उल्टे पंछी हो आज बोल देना घर परिवार में, तो दुरानी ने रोक लिया, वरना तो पंछी तो कब का उड़ गया था। सर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो नेम नंबर 5 पे आ रहा है ना आपकी, हाँ आपकी अपनी आइडेंटिटी फ्रीडम की है, लेकिन ये सोसाइटी परिवार इन सब ने बांध रखा है,
सर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये न्यूमरोलॉजी है, इसे यहाँ पर जी सर। तो आप आइए। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलो जी नेक्स्ट, जी नेक्स्ट लेते हैं। दीपक मिश्रा जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ हैं सर दीपक मिश्रा। ओके, दीपक रावत जी भी हमारे साथ हैं, और दोनों दीपक को ही लेता हूँ। दीपक रावत एंड दीपक दीपक मिश्रा। दीपक, हाँ दीपक जी बोलिए। दीपक जी क्या स्पेलिंग है आपकी? दीपक डी डबल ई पी ए के प्रसाद, और ए एस ई डी लिखते हो? हाँ हाँ, पी आर पी आर ए एस ए डी है। हाँ हाँ, ए एस ए डी प्रसाद, और आगे मिश्रा मिश्रा एम एम आई एस एच आर। हाँ ठीक है। भारतीय रोजगार योजना, भारतीय सेवेंथ नवंबर। बोलिए बोलिए। 1991 7th नवंबर। हाँ तो आप लोग सब इनवाइटेड हैं आप उसके लिए, और ये दोनों सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर का मैंने डेमो नहीं दिखाया, कल दिखाऊंगा आपको, कल आइएगा। सेम आईडी सेम पासवर्ड है, लेकिन टॉपिक चेंज है। तो दीपक प्रसाद मिश्रा जी आपका कैलकुलेट हो गया हमारा। तो दीपक जी आपके तो 2.7 है, ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है आपका, ठीक है। और आपके लाइफ में जो मिसिंग है वो 3 नंबर मिसिंग है और 6 नंबर मिसिंग है। ये 2 नंबर तो मिसिंग है आपके लाइफ में। आप अगर 3 नंबर मिसिंग होता है किसी का, तो लाइफ में विजन नहीं होता, लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ की रुकावट रहेगी। सही बात है सर, रुक रुक के आएगी, एकदम सही, ठीक है ना। अब ये कहां से पकड़ रहा हूं, नंबर से आप ही सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और इनको कैसे इनहेंस करना है, या तो मैं एक एक रेमेडी बता रहा हूँ, वहां तो बहुत सारी रेमेडी बताई जाती है, और बड़ी सी सारी चीजें देखी जाएंगी। इनके मतलब है कि आप किस प्लेन से गवर्न होते हो, यहाँ पर इंटेंसिटी 1 नंबर कितनी बार है, इन सबके मतलब है कि 1 नंबर कितनी बार है, 2 कितनी बार है, ठीक है। कोई नंबर मिसिंग है तो मिसिंग तो मिसिंग ही है। तो आपके नाम वैसे अच्छा, डेट ऑफ बर्थ ठीक है फिर भी, क्योंकि कोई कार्मिक नंबर नहीं है आपके पास। हर वो डेट ऑफ बर्थ अच्छी है जिसमें कोई कार्मिक नंबर ना हो, सिंपल, ठीक है। तो भाई रेमेडी कर लो दीपक जी। सर एक बात हमको पूछना है, जॉब तो है नहीं, लेकिन हमको ऑकल्ट साइंस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, तो आ जाएगी जॉब पर, बहुत बड़ी बात है। जॉब क्या सर, सर इसमें आने से क्या हमको सफलता मिलेगा? किसमें, मतलब ये ऑकल्ट साइंस में आने? भाई सिंपल सी बात है, 237 है तो मिल जाएगा। अब देखो आपका 247 तो यही है यार, आप इसमें और से ज्यादा क्या लोगे? दसवीं नंबर ही 7 आ गया आपका, और 10 नंबर 4 है, 2 है, तो मेन 4 ही 2 ही नंबर होते हैं आपके पास। और आपके नाम में भी 7 2 times है, जबकि एक बार हो तो ही बहुत होता है, ये डबल है आपके पास। तो आपका तो अपने आप ही ओकल्ट वर्ल्ड में मन कर रहा है आने का, मेरा बिना के। बात तो सही है, मतलब होता है ना कि आपका मन क्यों कर रहा है अपने आप, यानी कि ऐसे नंबर कुछ फोर्स है ना आपके पास। आप आइए, आप सीख सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, बिना किसी बहुत एफर्ट के। तो होता ना बंदे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं, आप थोड़े से एफर्ट से ये सब सारी साइंसेस सीख सकते हो, ठीक है। तो आप आइए सीखिए, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 3 और 6 का जो रेमेडी है कुछ, 3 की रेमेडी कर लो, 6 की तो अभी मत करो, 3 की रेमेडी करो सारे। 3 का विजन ना, 6 नंबर ना, क्योंकि आपके नेम नंबर में है 6 नंबर, ठीक है। कुछ हद तक कमी पूरी नहीं होगी, कुछ हद तक हो जाएगी। 3 नंबर कहीं नहीं है, 3 की रेमेडी करो सबसे पहले। क्या करना है सर इनको? सबसे पहले एक आपने क्या काम करना है, हर वीरवार के दिन अच्छा आपने किसी भी गुरु के नाम का दान दक्षिणा जरूर निकालनी है। और भी कुछ कर सकते हैं, हर शनिवार हर वीरवार को, एवरी थर्सडे साईं मंदिर कोई होगा आपके आसपास, वहां जाके प्रसाद चढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है सर। जब आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, हाँ सर अर्निंग ही नहीं है, जब अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब हर वीरवार के दिन आपने, छोटे बच्चे होते हैं ना बिल्कुल प्राइमरी वाले, हाँ सर, उनको कुछ लिखने पढ़ने का सामान गिफ्ट करना है, लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, ये काम शुरू कर दे। और जॉब नहीं है अभी तेरे पास, क्या दिक्कत आ रही है जॉब में सर? जहाँ
इंटरव्यू, मतलब अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि कहीं कुछ हो ही नहीं पा रहा है। चलो जॉब लगानी है ना, जॉब तो चाहिए। हाँ सर, चलो उपाय बताता हूँ, एक उपाय कर ले, भगवान ने जाकर जॉब लग जाएगी। जॉब मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम है सर। कोई बात नहीं, बताता रहा हूँ, और हमको सीखने का आपसे एकदम ही इच्छा, अब क्या करें, पैसा का भी कोई बात नहीं। अरे इच्छा रखो, एक ना एक दिन पूरी जरूर होती है, सीखना ही है हमको आपसे बस। अब वो था भगवान इसलिए जॉब लगा रहे थे कि भाई तू जॉब करके पहले कमा के। हाँ सर, हाँ सर, मेरे तो नहीं किसी से भी सीख, इस नंबर है आओ सीखो। मैं ये नहीं कहता मेरे पास आओ, कहीं भी जो अच्छा गुरु मिले, जहाँ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच करे वहां सीखो जाके इन साइंस से, ठीक है। रेमेडी लिख ले, ठीक है सर, कमाता भी नहीं अभी कुछ, है ना। तो ये हर शनिवार को, हर शनिवार को, हर शनिवार हनुमान मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, हनुमान जी की हनुमान चालीसा जरूर पढ़नी है, ठीक है सर। और एक चार, एक दिया लेके जाना, और चार बाती वाला दिया लेके जाना है, जिसमें चार बाती है, हनुमान जी के सामने वो जला करा, ठीक है। ग्यारह ग्यारह मंगलवार करके देख ले, और शनिवार करके देख ले, शनिवार को जाना है तुमने, शनिवार को यो नोट कर लेना, सनसेट के बाद, सूर्योदय के बाद, ठीक है, एक दिया लेके चार बाती वाला, ओके, वो हनुमान जी के सामने जलाना है, कभी शनि मंदिर में जाके जलाए, ठीक है सर। और ये मांगना है कि ये बजरंग बली मेरी जरा जॉब का इंतजाम कर दो, मैं काम करना चाहता हूँ, माना जाए तो ग्यारह पूरी नियुक्त क्षेत्र को कहना की काम के ऑफर अब तेरे पास आना शुरू, ठीक है, जल्दी नौकरी मिले। देखिए मैं सबको कहता हूँ, भगवान किसी को काम से वंचित ना रखे, काम सबको मिले, कम मिले ज्यादा मिले, सैलरी कम है ज्यादा वो अलग बैठा, लेकिन सबका काम होना चाहिए, कोई बिना काम ना बैठे, इंसान की पहचान काम से होती है, तो पहचान ही खत्म हो जाएगी इंसान की, तो ठीक है बच्चे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। तो आइए आप सीखिए, दूसरे दीपक जी कौन थे हमारे साथ, दूसरे दीपक जी, गीता अनम्यूट करो अपने आपको। हाँ जी सर, दूसरे दीपक जी थे यार, कहाँ चले गए, कौन से दीपक थे, म्यूट हो गए सर लगता है। दीपक मिश्रा तो हो गए, दीपक मिश्रा तो हो गया, दीपक मिश्रा तो हो गए हैं, देखना चले गए, चलो शायद किस्मत में नहीं है, लोग वेट कर रहे हैं और हम की वेट कर रहे हैं। हाँ जी सर, चलो आप बोलो किसी का नाम। यहाँ पे एक रिपल जी हैं जो पूछ रही हैं कि आप हमारा भी एक बार कैलकुलेट कर देंगे क्या, कई सारे मैसेजेस रखे हुए हैं। कौन है बताओ, क्या नाम है, रिपल, आर आई डबल पी एल ई। हाँ जी, चलो भाई चैनल ऊपर ही दिखे मुझे, रिपल अनम्यूट करो प्लीज अपने आप को, और सभी से रिक्वेस्ट भी मैं करूंगा कि अच्छा नाम लिखो अपना प्रॉपर जो नाम है आपका, ठीक है, और अपनी कास्ट भी जरूर लगाइए, आज समझिए आप पूर्वजों की ब्लेसिंग नहीं ले रहे अगर कास्ट नहीं लगा रहे अपनी, आप चाहते हो कि आपके पूर्वजों ने जो अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, उसका भुगतान आपको भी मिले, तो आप लगाओ प्रॉपर्टी लेने तो आगे पहुंच जाओगे आप, जी मेरे को प्रॉपर्टी दे दो, ठीक है ना, नाम लगा नहीं दिया, ये क्या बात है, नाम लगाइए अच्छा होता है, ब्लेसिंग मिलती है पूर्वजों। रिपल जी बताइए अपना नाम पूरा, फादर्स नेम के साथ सर, जो लगाते हैं, जो लिखते हैं आप, ओके, आर आई डबल पी एल ई, आर आई डबल पी एल ई, जे जे, सी एच ए जी, सी एच ए जी, जे जे फादर का नेम है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमें अल्फाबेट चाहिए होते हैं, ठीक है, हो गया नाम, यस सर, डेट ऑफ बर्थ बताइए, 15/4/1968 15/4 सर, हाँ जी, 14 नहीं सर, 15 सर प्लीज, 15, हाँ एक बताओ, चलो जी रिपल जी आपके पास एक तो अल्टीमेट नंबर आपका कार्मिक नंबर आ रहा है, और अल्टीमेट नंबर एक एज के बाद एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, राइट सर, तो ये जब भी कार्मिक नंबर आपको थोड़ा सा तकलीफ या कहना कि ऑब्स्टेकल लगते हैं आपके लाइफ, ठीक है, आपका टैलेंट नंबर और डेस्टिनी नंबर 1667 है, तो दोनों ही एंटी नंबर हैं, अब ये दोनों लेके कहाँ जाएंगे आपको, ये कहाँ परेशान कर, देखिए ये मतलब होता है, अगर मैं जब बुरा नंबर बोल रहा हूँ दूसरे लोग क्या बोलेंगे,
बिल्कुल मैच नहीं है जी, सब खत्म है, आपका ड्राइवर कंडक्टर या ड्राइवर डस्ट जो भी है खत्म है, बिल्कुल कंपेटेबल नहीं है। लेकिन कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं हर वेबिनार में आपको सिखाता हूँ कि दो नंबर अगर कोई आपस में मैचिंग नहीं है तो कहाँ पर नहीं है, और अगर दो नंबर एंटी भी है प्योर, और ये दो नंबर प्योर एंटी नंबर है 6 और 7, इससे बड़ा एंटी नंबर कोई नहीं है। लेकिन अब ये दो नंबर मिलके आपके लाइफ के किस सेक्टर को इनहेंस करेंगे, कहाँ पर इसका प्लस पॉइंट आप ले सकते हो, वो है स्पिरिचुअलिज्म। तो 6 नंबर जहां पर एक तरफ आपको मटेरियल लाइफ देता है, यही 6 नंबर आपको एक स्पिरिचुअल नंबर के साथ मिलकर एक स्पिरिचुअल लाइफ भी दे सकता है। तो आप स्पिरिचुअल लाइफ में जब तक रहेंगे, जब तक आपकी प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस आपकी होती रहेगी। लेकिन अगर आप सोचेंगे प्योर मटेरियल लाइफ जीना, तो ये 7 नंबर आपको प्योर मटेरियल लाइफ, जब अगर आप जब कभी भी आप लाइफ में प्योर मटेरियल लाइफ जीने की सोचेंगे ना, तो परेशानी क्रिएट जरूर करेंगे। राइट सर, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना था, आपको स्पिरिचुअल लाइफ भी जीनी थी, पता नहीं आपने जीनी थी वो आपको मैं जी रहा हूँ। जी रहे हो ना? यस सर। बहुत बढ़िया, तो आपका स्पिरिचुअल नंबर है, ये नहीं जिएंगे तो परेशानी क्रिएट होगी, बस ये जीते रहिए आप स्पिरिचुअल। उसी के ऊपर से ही चल रहा है सर। हाँ जी, उसके ऊपर से ही चल रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब नंबर मिसिंग कौन से, आप ये देख लेते हैं, आपके मिसिंग नंबर, आपके 2 नंबर मिसिंग है, 4 नंबर मिसिंग है, 6 नंबर मिसिंग है, इनकी रेमेडी करनी पड़ेगी। आप 2 नंबर कहीं है, आपके पास 2 नंबर कहीं भी नहीं है। अब 2 नंबर है ही नहीं तो कहीं ना कहीं कॉपरेशन में कमी आएगी, मोशन डिस्टर्ब हो सकते हैं आपके। 4 नंबर मिसिंग है, लेकिन 4 नंबर मिसिंग है, और यहाँ पर आपका 4 भी कार्मिक नंबर है, लेकिन नेम नंबर में 4 नंबर आ गया आपका, लेकिन कार्मिक नंबर भी 4 से आया है। तो रूटीन और सिस्टम बनाने में लाइफ में दिक्कतें आएंगी आप, तो 4 नंबर की आप रेमेडी नहीं है। रूटीन सिस्टम, नियम कायदे कानून, ठीक है, मटेरियल कैसे करना है, और थली में स्टेबिलिटी कमी आएगी। और 4 नंबर मिसिंग है आपकी लाइफ में, तो कहना कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ दिक्कतें आ सकती है, या प्रॉपर्टी कमाने में, जोड़ने में, बनाने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। बन गई है लेकिन बिकने वाली है सर। हाँ मतलब वही ना दिक्कतें आ गई ना सर, कार्मिक नंबर है ना, इसे बना बन के बिक रही है ना सर, कार्मिक नंबर बहुत बन गया ना। अब क्या जाते हो, क्या ठीक करना है? बस सर शांति से जीवन निकाल ले सर, 50 तो हो गए हैं अभी। चलो फिर क्या रेमेडी बताऊं, क्या क्या किसकी रेमेडी चाहिए आपको, 1 नंबर की काम के लिए बता दीजिए सर। 4 नंबर मिसिंग है और अभी काम भी नहीं है। 4 की रेमेडी करो सर। हाँ सर, चाह की सच्चे सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए इस एज में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो डेली। छोड़ना नहीं है विष्णु सहस्त्रनाम। कब करना होगा सर, मतलब कभी भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करना जरूर है, 24 घंटे में एक बार जरूर करना है। ठीक है सर, ठीक है। दूसरा काम की तलाश आपको भी है, तो आप एक काम कीजिए, हर शनिवार को सनसेट के बाद किसी भी एक गरीब को या ब्लाइंड को खाना खिलाना शुरू करो शनिवार के दिन। ओके सर, बस जो रेमेडी कर लो काम आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। जिसने सीखना आप आइए, दुनिया भर की रेमेडी आपको सिखाते हैं, सारा सॉफ्टवेयर आपको देते हैं, आपको नाम चेंज, अभी हम अगली बार हम ये करेंगे एक दो वेबिनार के बाद कि नाम चेंज कैसे किया जाता है, कंपेटिटिविटी कैसे देखते हैं हम, लोग नाम चेंज करके बहुत भागते हैं, तो नाम चेंज कैसे करें। तो सबसे पहले नाम किसने चेंज कराना है, तो भाई मेरे चेंज कराओ, नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा कि जाओगे तो नाम चेंज करेगा कोई ना क्या। इससे पहले ये देख लो कि नाम का पहला अक्षर कंपेटिबल है या नहीं है। वो सर आप आज नहीं करवा रहे हैं। चलो आपने बोल दिया तो आपका कर देता हूँ, अब देखते हैं कि आपका नाम आपके कंपेटिबल है या नहीं। फिर मेरे को ज्योतिष खोलना पड़ता है ना। हाँ सर, टाइम इतना होता नहीं, अभी चाहते हैं कि जितनी ज्यादा रेमेडी बांट सके लोगों का हेल्प कर सके। बताइए डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी, तुम्हारा 15/4/1969 68 सर 68। टाइम क्या आपका? मॉर्निंग 5:15 सर। 5:15 मॉर्निंग। वर्क प्लेस? राजकोट सर। राजकोट गुजरात। चलो जी राजकोट आ गया। ठीक है, अब हमारे सॉफ्टवेयर में आप यूज कैसे करेंगे, हमारा सॉफ्टवेयर आपसे 3 चीजें मांगता है ये जानने के लिए कि क्या आपका नाम का पहला अक्षर आपका कंपेटेबल है या नहीं। आपकी राशि, नक्षत्र और चरण, ये किसी भी सॉफ्टवेयर से पकड़ सकते हो, ये नहीं कि हमारे सॉफ्टवेयर से, किसी फ्री वाले सॉफ्टवेयर से पता लग जाता है।
जहां मून होता है आपका किस नंबर पे? सात नंबर पे। सात नंबर की राशि होती है लिब्रा, तुला राशि। आपकी लिब्रा साइन है आपका, नक्षत्र यहाँ से पकड़ लूंगा, नक्षत्र आपका विशाखा नक्षत्र है और तीसरा चरण है। ये चीज याद रखना, लाइफ में आपको बड़ी काम आएंगी। लिब्रा साइन, विशाखा नक्षत्र और तीसरा चरण। तो हमारे सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला रखा है, मैं यहाँ पर डालूंगा लिब्रा साइन, ठीक है, नक्षत्र डालेगा ये विशाखा नक्षत्र और चरण था तीसरा, तीसरा चरण। ये डालने के बाद अब आपका नाम क्या है? रिपल सर, RIPPLE। अब पूरा नाम लिखने की जरूरत है, शुरू के दो तीन अक्षर भी लिखें क्योंकि पहला अक्षर पकड़ता है। अब ये सॉफ्टवेयर आपके सामने है, ये बताएगा कि भैया रिपल जी इस राशि, इस नक्षत्र, इस चरण में पैदा हुए हैं, तो इनका नामकरण किस अक्षर से होना चाहिए था। जिस तरह से आप शादी करते हैं ना, वर वधु के नक्षत्र मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, तो मैं भी यहाँ गुण मिला रहा हूँ आपके। यहाँ भी दो नक्षत्र हैं आपके, एक आपके नाम और एक आपके डेट ऑफ बर्थ, जिस डेट ऑफ बर्थ पैदा हुए थे वहां भी कोई नक्षत्र था। वो आप चेक, इसके बाद करते हैं चेक नेम कंपेटिबिलिटी, कितना नेम कंपेटिबल है, उसको क्लिक करेंगे। अब आपके 36 में से 36 गुण मिलते हैं सर। क्या बात है सर। और ये पहली डेट ऑफ बर्थ है, पहला एक ऐसा अल्फाबेट मुझे मिला है जिसके 36 में 36 गुण मिले। अमेजिंग सर, अमेजिंग, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, यस। देखो कितनी बड़ी बात है रिपल जी। अगर मान ले आपका नाम कुछ और होता, मान लेते हैं हम आपका नाम, ठीक है, और दोष भी नहीं है कोई आपके नाम के पहले अक्षर में, तो आप अपने नाम को जितनी मर्जी बात चेंज करो। मान ले आपका नाम अजय होता, देखते हैं कितने कितने अक्षर मिलते हैं। अब 21 गुण मिलते हैं आपके। अगर आ से वक्त आपने री से रखा है, री से आपके 36 में 36 गुण मिलते हैं। और आपका नाम, अगर अपना नाम आप सर, आ से रखते सर, रा ट्राई कर लीजिए सर प्लीज। एक्चुअली माता जी की इच्छा राम लखने की थी सर। अच्छा चलो राम, यहाँ चेक कर लेते हैं, तभी 36 गुण मिलते हैं। रा रखो, री रखो, कुछ भी रखो, 36 से 36 गुण मिलते हैं। कितनी ब्लेसिंग है आपके पास। अब ये समझ लीजिए सपोर्ट है बहुत बढ़िया आपको, आपके आपके नाम के पहले अक्षर की, ये मतलब है इसका कुछ। यस सर। अगर इसका मतलब ना होता ना, तो शादी करने से पहले कोई इंसान गुण ना मिलाता 36 में से अपने, मतलब तो होगा ना उसको गुण मिलाने का वहां पर। हाँ, वहां भी 36 में गुण मिलते हैं और यहाँ भी 36 में गुण मिला रहे हैं। बेस्ट नाम मिला सर, बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इस तरह से आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, ये आपको ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, और ये काम कब आता है? ये काम आता है मेनली जब आप बच्चा पैदा होता है नामकरण करने के लिए, फिर आपको इस पंडित के पास जाना पड़ेगा, फिर नाम के लिए, फिर न्यूमरोलॉजी के पास जाना पड़ेगा। अब एक ही छत के नीचे आप दोनों काम कर सकते हैं बिना ज्योतिष की नॉलेज हुए। तो ये सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है। किसी को अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए तो 3500 का सॉफ्टवेयर हम ये दे रहे हैं, लेकिन अपने स्टूडेंट को फ्री में देते हैं। आप आइए सीखिए, आपको दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं। यस थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। कोई भी आ सकता है, सीख सकता है हमसे। सर कोर्स का बैनर एक बार दिखा देंगे सर। ये जी कोर्स का बैनर हमारा दोबारा से अनाउंस कर रहा हूँ मैं, 3 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 6:30 to 8 इवनिंग क्लास रहेंगे हमारी, 1.5 घंटे की, 1.5 आवर्स की। और ये बैच हमारा कम से कम 20 से 25 क्लास मिनिमम होती है, और लेकिन 20 में कभी खत्म होता नहीं है क्योंकि क्वेरी इतनी होती है, मैं क्वेरी को मना करता नहीं कभी। आप ज्ञान लीजिए, जितना मर्जी लीजिए, जो है देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि जब तक आपकी क्वेरी क्यूरियोसिटी शांत नहीं होगी, आप में जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं होंगे, तो आप बेस्ट कंसल्टेंट नहीं बन सकते। तो जो चीज़ें हमने कई जगह फेस की हैं, वो मैं नहीं चाहता मेरे स्टूडेंट को फेस करें। तो 20 से 25 क्लासेस का कोर्स है टोटल, कोर्स की फीस 12,500 प्लस GST। इसमें पाइथागोरस सिस्टम मैं पूरा पढ़ाने वाला हूँ, लॉस सिस्टम पूरा पढ़ाने वाला हूँ, नंबर से कैसे वास्तु करेंगे वो पढ़ाने वाला हूँ आपको, और साथ में आपको दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में दिए जाते हैं, लाइफ टाइम एक्सेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। कोर्स कंटेंट अगर किसी को मंगवाना है, मैंने आज डिस्कस नहीं किया कोर्स कंटेंट को, फिर भी अगर आपकी इच्छा है कोर्स कंटेंट की, तो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली जवाब दूंगा। और इसके साथ साथ हमारे बाकी कोर्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे मेरा टैरो लॉन्च हो रहा है,
ठीक है, ये तो हमारा 16 अगस्त को पिछला लॉन्च हुआ था और हमारा फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारा टैरो भी लॉन्च हो रहा है। तो आप टैरो करना चाहते हैं तो टैरो भी सीख सकते हैं मुझसे। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा, वास्तु भी नेक्स्ट मंथ लॉन्च होगा। तो चार कोर्स ही हमारे नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहे हैं। तो आप जो भी कुछ सीखना चाहते हैं तो क्या ड्यूरेशन रहेगी, क्या कोर्स कंटेंट रहेगा, वो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। चलो जी सर, अब है डॉक्टर राज शर्मा। आपने बोल दिया, मैं तो वाइंड अप कर रहा हूँ। बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ना वो कल ट्रैवलिंग करके आया ना 500। हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो अभी भी बॉडी एक कर रही है, क्योंकि आज फिर पूरे दिन पढ़ाना पड़ा। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। कोई बात, चलो बताओ इनका क्या नाम है। डॉक्टर राज शर्मा। डॉक्टर राज शर्मा जी कहाँ पर है, डॉक्टर राज शर्मा जी वेलकम आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट समय में सर मेरा कॉल लिया। नहीं सर, वो तो डिवाइन सर, देखो हम कुछ नहीं है, जिसका नंबर आया देवी जी हमारे साथ हैं, शक्ति का रूप है ये साक्षात, तो इन्होंने आदेश दिया तो अब हो गया। डेट ऑफ बर्थ क्या था सर? 14 मार्च 19 सर 14 मार्च 1/1/1986 1986 जी सर। 14 मार्च आ गया 14। आगे नाम क्या लिखते हैं सर? राजकुमार शर्मा। जी राजकुमार जी, कुछ ही क्या पूछ रहे हैं राजकुमार सर? एक्चुअली जॉब के बारे में या फिर आप बता सके जो भी सर, जो सर आपको लगता है कि मेरे बारे में सर। तो कार्मिक नंबर देखिए 14/5 कार्मिक नंबर है जी सर, लेकिन टैलेंट नंबर आपका 5 आ गया। ये दोनों नंबर एंटी हो गए इधर से अपने। अब आपको जो दिक्कतें रहेगी ना, फ्रीडम की दिक्कत है सबसे ज्यादा, आपको लाइफ में फ्रीडम नहीं मिलती आपको, ठीक है। लेकिन टैलेंट नंबर आपको कुछ फ्रीडम दे भी रहा है, लेकिन वो अच्छी फ्रीडम नहीं आएगी, क्योंकि आप पे 3-3 बार कार्मिक नंबर आ रहे हैं। तो सर 14/5 की कल हमारा वेबिनार है, आप जरूर आइएगा, आप स्पेशल इन्वाइटी हमारे, क्योंकि आपका 14/5 को डिस्कस करने वाले हैं क्या रेमेडी करें इनकी। जब तक इनकी रेमेडी नहीं होगी ना, लाइफ में स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकती, ठीक है, नहीं आ सकती। और आपका नेम में 5 नंबर मिसिंग है, चलो आपका डेस्टिनी नंबर टैल नंबर 5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और 6 नंबर मिसिंग है, 7 नंबर मिसिंग है, 7 की चलो इस उम्र में जरूरत नहीं है अभी आप, और है भी तो 7 नंबर यहाँ पर है आपका, लेकिन 6 नंबर की रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी आप। लेकिन रेमेडी 6 नंबर की तब तक नहीं होगी, तब तक आप इस कार्मिक नंबर की रेमेडी नहीं करोगे, ठीक है। तो कल आइए आप, क्योंकि आपको बताने का फायदा नहीं, क्योंकि 6 नंबर बताने वाला मैं, क्योंकि 6 नंबर की रेमेडी तब आप मतलब उसके रिजल्ट तब आएंगे, वो इफेक्टिव तब होगी जब तक कार्मिक नंबर पीछे पड़ा हुआ है। तो रेमेडी करके भी जब तक उसकी रेमेडी नहीं करेंगे 6 नंबर एक्टिवेट नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको करना ही है ना अभी, तो शुक्र के मंत्र की चैंटिंग तो शुरू कर दो, क्योंकि मैं मंत्र की रेमेडी बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बता रहा अभी। तो शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः, ठीक है। ये डेली 108 टाइम्स आप करनी शुरू कर दीजिए। देखिए मैं हमेशा मंत्र को क्यों तवज्जो देता हूं आप समझिए, इसके पीछे बहुत लॉजिक है। मंत्र से ज्यादा पावरफुल रेमेडी कोई नहीं होती, लेकिन लोग मंत्र करना नहीं चाह रहे। बाकी रेमेडी भी काम करती है, लेकिन सबसे सटीक सबसे जल्दी जो रेमेडी काम करती है वो मंत्र काम करते हैं जी। और हर रेमेडी के साथ उसका मंत्र बहुत जरूरी होता है, ताकि उसके नेगेटिव रिजल्ट्स ना आए और उसकी पावर बढ़ जाती है जो हम रेमेडी बताते हैं, इसलिए मंत्र जरूर कीजिए। तो राजकुमार जी आप शुक्र के मंत्र की चैंटिंग डेली स्टार्ट कर दीजिए कल से जी, ठीक है। और कल शुक्रवार भी है जी, कितनी अच्छी बात, ठीक है। 0 टाइम्स करनी है, 10 मिनट लगेगी मुझे, डेली करो उसको, ठीक है। और कार्मिक नंबर कल आएंगे, कल मैं आपको रेमेडी बताऊंगा कार्मिक नंबर की रेमेडी कैसे करते हैं। हाँ, कल सेम टाइम सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम आईडी सेम पासवर्ड है, सबको सेम है। सर लास्ट क्वेश्चन, नीरज कुमार जी पूछ रहे हैं एडवांस टेरो सीखने के लिए पहले बेसिक भी सीखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल जी बिल्कुल, आप मतलब यूनिवर्सिटी में दाखिला कब मिलेगा आपको? जब आप स्कूल पास करेंगे तो अच्छी बात है, पढ़ना तो फिर वो होता है ना जो 10वीं फेल 12वीं फेल ग्रेजुएशन करें, अब उनको नौकरी कहाँ मिलती होगी यार। जो 10वीं फेल फेल हो, कहता है, ग्रेजुएशन हमारे यहाँ से कर लो बिना पास की, बैनर लगे होते हैं ना कि 10वीं फेल 12वीं पास करें 12वीं फेल ग्रेजुएशन करें तो नौकरी थोड़ा मिलती है उनको।
मर्जी है उनकी। तो सबसे पहले हर चीज का बेसिक क्लियर होना चाहिए। हाँ जी हिना तेरे को क्या हो गया, तेरे को क्या प्लीज करने की जरूरत है, आपको भी पता है। और सर जैसे ज्यादातर क्वेश्चन एक जॉब पर ही रहते हैं, आइदर बिजनेस आइदर पर्सनल लाइफ, सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप एक कोई उपाय दे दीजिए जिसको फोन नंबर है, जैसे मैम भी एक एग्जाम्पल हूँ, इवन आई हैव फोन नंबर बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग फॉर माई करियर और जॉब टू, तो ऐसा कोई उपाय सबके लिए बोल दीजिए जो एवरीवन कैन डू, इज देयर एनी रेमेडी फॉर। मैं सिंपल बता रहा हूं, क्योंकि अब एक कोई ऐसी रेमेडी निकालनी बड़ी मुश्किल होती है कई बार, कि जिससे सबको फायदा हो, नुकसान किसी का ना हो। तो एक काम कर लीजिएगा, जिसको भी कभी भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ मतलब प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आए तो आपने कुछ नहीं करना, हर शनिवार के दिन दिया ले जाकर चार बाती वाला दिया लेना है, और हनुमान जी के सामने सनसेट के बाद शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उसको जला कर। ओके सर, ये एक ऐसी रेमेडी है जिसको सभी कर सकते हैं, बाकी रेमेडी कुछ और नंबर देख के दी जाती है। जब आपको कोई रेमेडी देता हूँ ना तो मैं उसके पीछे बहुत लॉजिक होते हैं, मेरे वो सारे चीज लगी होते हैं उसके पीछे, तो बाकी रेमेडी कोई ऐसे ना करे। जब मैं बोल रहा हूँ जनरल रेमेडी कोई भी कर सकता है, उसके साथ साथ आप कर सकते हो। और आप कोई कोर्स लॉन्च हो रहा है उसका ड्यूरेशन, आप मेरे से पर्सनल विंडो पर कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नाम है डॉक्टर, किसी के पास मेरा कुछ भी नहीं है तो गूगल पे डालिए डॉक्टर नागेश तनवर लिखिए, अभी अभी आपको पता लग जाएगा। गजेंद्र जी सर। हाँ गजेंद्र जी सर। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ एक सर क्वेश्चन है सर। नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ तो मैंने वाइंड अप कर दिया, अब मैं पर्सनल क्वेश्चन ले पाऊंगा कल, आज एक पहला क्वेश्चन आपका ले लूंगा गजेंद्र सर। सर सर खाली मुझे ये बता दीजिए, मुझे शुक्र के मंत्र की चैंटिंग भी करनी है जो गाय वाला करना है उसके साथ। नहीं आपने गाय को पकड़ लिया, आपको जरूरत नहीं, आप इस उम्र में जरूरत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। कोई डिप्रेशन में आपको तो दुरानी ने पकड़ रखा है, चिंता मत करें। ठीक है सर। गजेंद्र जी कल आ जाइए, लेकिन जब मैं वाइंड अप कर देता हूँ ना तो उसके बाद वो एक ऑरा होता है, मतलब एक माइंड सेट होता है चीज को देखने का। अब जनरल क्वेरी दे सकता हूं, लेकिन वो माइंडसेट वहां से हट गया कि आप प्रेडिक्शन करनी है किसी के बारे में बताना है। सर जनरल क्वेश्चन है कि किसी को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कोई उपाय बताइए। ये पूछिए, बहुत बढ़िया बात है, बेशक आप कहियो डजंट मैटर, जिसका भी डिप्रेशन हो ठीक है, तो वो उसने दो उपाय जरूर करने हैं। पहला उपाय है आपने चांदी को धारण करो, जितना चांदी पहनेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, इवन तक कि आपके खाने के बर्तन भी चांदी के ले आइए, एक प्लेट एक कंटेनर और एक गिलास ठीक है, एक चम्मच चांदी की लाओ, खाना खाओ। दूसरी रेमेडी, हर अमावस्या को और पूर्णिमा को खीर बनाइए, उस खीर को पहले अपने गुरु डिवाइन जिसको मानते हैं उसको भोग लगाइए, फिर घर में जितनी भी महिलाएं हैं, एक एज्ड वाली महिला उम्र दराज सबसे पहले उनको खाने को दीजिए ठीक है, और उसके बाद खुद ग्रहण कीजिए वो प्रसाद। आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, आप देखिए डिप्रेशन अपना भी दूर भाग जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर वंडरफुल रेमेडी। सर नीरज कुमार जी फिर से पूछ रहे हैं कि बैच स्टार्ट होगा तो प्लीज बताइए। तो नीरज कुमार जी कौन से बैच की बात कर रहे हैं आप, टैरो की या न्यूरोलॉजी? आप बात कर सकते हो नीरज जी, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर लीजिए नीरज जी। टैरो का हमारा शुरू होगा, बता दिया आपको, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हमारे टैरो के बैच शुरू हो गए, अभी डेट फाइनल नहीं हुई है, डेट फाइनल हो जाएगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जिस ग्रुप में आप हो उस ग्रुप में बने रहिएगा, वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या फिर वो पर्सनली विंडो पे टच कर सकते हो, मतलब मेरे को लिख के छोड़ दीजिए मेरे व्हाट्सएप पर, सर आई एम इंटरेस्टेड इन टैरो प्लीज इन्फॉर्म मी, पता लिख के छोड़ दीजिए आपको जब और मेरा नंबर लगेगा। चांदी में बर्तन में सुनील कुमार जी वाइंड अप कर दिया है, जल्दी से पूछ लीजिए काले नहीं सर, सारा ही सारे नंबर तो देखने पड़ते हैं, कल ही कर लेंगे सर। कल कर लेना सुनील जी, कल आ जाना, कल दे देना। कल सर मेरा एक बात और सर, तो आपने स्वाति जी का लिया था, आपने डेट ऑफ 10-26 का सर टाइम डाल दी थी। कोई बात नहीं सर, 5 हो या 50 हो ठीक है सर, नंबर चाहिए था ना, कल फिर आते। ठीक है सर,
चलो जी ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। इस तरह से हम वेबिनार करते रहेंगे। आप व्हाट्सएप पर जुड़िए, फेसबुक पर जुड़िए, यूट्यूब पर जुड़िए, मैं हमारे साथ जिस ग्रुप है उस ग्रुप में रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर कोई डराने धमकाने वाला काम नहीं करते, आपको डराते नहीं, आपकी आंखें खोलते हैं हम। ठीक है, तो आप उपाय भी आपको मिलते हैं सर। ये सेशन का रिकॉर्डिंग भेज देंगे क्या आप ग्रुप में? यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, यूट्यूब पे आएगी मैम, ग्रुप में आ जाएगा, कल तक यूट्यूब पर ऊपर आ जाएगी, आप दोबारा सुन सकते हैं। ग्रुप में उसका लिंक भेज दीजिए ना सर, हमें लिंक भी आता है आपके पास, बने रहिए ग्रुप में, लिंक भी आता है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा टू ऑल, जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, कल मेरा प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कल सर।